हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखो, पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे जीओसी। ठीक है, तो जीओसी में कुछ देखो पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे जीओसी की। एक बार सभी लाइव कनेक्ट हो जाओ भाई, तभी देखो पिछली क्लास हम तीन क्लासे के बाद पढ़ चुके हैं जीओसी में। उसमें रेजोनेंस की बात कर रहे थे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोनेंस क्या होता है, इन सभी की बातें चल रही थी। ठीक है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आपके जो पोर्टल है उसके ऊपर जीओसी का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड असाइनमेंट तीनों अपलोड हो गए हैं। ठीक है, तो उनको एक बार सोल्व कर लेना है। अगर किसी को भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे से वहाँ पूछ सकते हैं। जैसे सैटरडे संडे तुम लोग आते हो, सैटरडे संडे पूछ लेना, या फिर डिस्कशन लाइव भी डिस्कशन होगा तो वहां आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं एक बार वापस बता देता हूं कि फर्स्ट जीओसी का फर्स्ट असाइनमेंट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों असाइनमेंट अपलोड कर दिए हैं। एक बार जरूर सॉल्व कर लेना उसको, किस किस टाइप के क्वेश्चंस उसके ऊपर बनते हैं और आपको कैसे उसको अप्रोच करनी है। ठीक है, अब हम आज का जो पिछली क्लास की अगर बात करें, क्या क्या हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो मैंने बताया था सबसे पहले टाइप्स पढ़ रहे थे, तो उसमें तीन टाइप बताए थे। कौन कौन से थे? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पॉजिटिव और पाई रेजोनेंस, रेडिकल पाई रेजोनेंस और पाई पाई रेजोनेंस। तो हमने बताया था उसके ऊपर क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, तो उसमें मैंने कहा था कि स्टेबिलिटी से रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात की थी, जो मैंने कहा था कई बार इसमें जैम में भी आ चुका है, नेट गेट में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ जैम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आइडेंटिफिकेशन और रेजोनेटिंग। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कैसे हम पता लगाएंगे कि कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगी? तो मैंने कहा था ओनली फॉर उसमें क्या होगा, पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग अगर होती है तो हम उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नाम देंगे, वरना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे। ठीक है, दूसरा हमने उसमें कहा था कि क्या कहा था कि एटम कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, डिसलोकेट नहीं होना चाहिए, मतलब शिफ्ट नहीं होना चाहिए, जहां वो जुड़ा हुआ है वहीं रहना चाहिए। एटम अगर शिफ्ट हो रहा है तो उसे हम क्या नहीं कहेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नाम नहीं देंगे। ना ही उसमें सिग्मा बॉन्ड अगर मेरे पास फॉर्म हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो भी हम उसका नाम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे, उसका आइसोमर कहेंगे। ठीक है, मैंने क्वेश्चंस भी बताया था जो 2020 जैम 2020 के अंदर पूछा गया था, तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लिया था हमने। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, कि दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनमें से हमें कैसे कंपेयर करेंगे कि उनमें से कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी। तो उसके लिए मैंने कहा था सबसे पहला पॉइंट आपको क्या देखना है, चार्ज चेक करना है। जितना कम चार्ज होगा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। उसके अगर मान लो ऐसा हो जाता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का चार्ज इक्वल हो जाए, तो हमें क्या करना है, सेकंड पॉइंट हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, कि जितने ज्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे तो उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। अगर मेरे दोनों ही फैक्टर इक्वल हो जाते हैं तब आपका आता है चार्ज लोकेशन। चार्ज लोकेशन मतलब कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। ठीक है, अगर ये तीनों ही फैक्टर से हम नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो फोर्थ फैक्टर देखा जाता है, कौन सा, चार्ज सेपरेशन, कि अपोजिट चार्ज पास होने चाहिए और सेम चार्ज दूर होने चाहिए। ठीक है, तो यहां तक हमने स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर ली थी। अगर इन चारों से कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं होती है तो हम कहेंगे कि वो दोनों जितने भी रेजोनेटिंग वो सभी इक्वल स्टेबल है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, किसी भी आप ऑर्गेनिक सीखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो हेडिंग जो होगी हमारी वो लिखेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट। कौन सा होगा? मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट। एक बात भाई मैं पहले बता देता हूं, देखो मैं तुम्हें जीओसी में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है और बिल्कुल हाई लेवल तक लेके जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप एडवांस पूछो, जितना मैं पढ़ाऊं उतने से पूछना है। आप अगर जीओसी जिस दिन कंप्लीट होगी उस दिन आपको खुद फील होगा कि कोई भी आपका डाउट नहीं छोड़ूंगा, इतना है। पर एडवांस में मत पूछो कि वो आगे आने वाला टॉपिक है और उसके ऊपर आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस का मुझे सारे हर एक बच्चे का एक्सप्लेन करना पड़ता है, जितने भी वहाँ मैसेज आते हैं, तो उसमें हमारा टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें जो काम काम की बातें हैं वही पढ़नी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं यूज ही नहीं है और जीओसी में हम दो तीन क्लास वैसे ही उसको खींच रहे हैं, ऐसा मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ। बिल्कुल जो लॉजिक बातें हैं, जो काम की बातें हैं वही पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो उसमें टाइम वेस्टेज मत करना प्लीज।
ठीक है। देखो मीजोमेरिक इफेक्ट किसको कहते हैं, तो ये एक्चुअल में एक फंक्शनल ग्रुप का इफेक्ट होता है जो पाई बॉन्ड की तरफ देखा जाता है। मैंने क्या कहा, दिस इज द इफेक्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप टुवार्ड्स पाई बॉन्ड, कि ये पाई बॉन्ड जो फंक्शनल ग्रुप हम देखते हैं उनका इफेक्ट पाई बॉन्ड के ऊपर क्या पड़ता है, इसी चीज को हमें आज देखना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यहां FG क्या है, फंक्शनल ग्रुप टुवार्ड्स पाई बॉन्ड, टुवार्ड्स पाई बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप का हमें इफेक्ट देखना है। कैसे चेक करोगे कि आपके इफेक्ट, मान लो मेरे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, तो या दो तरीके से हो सकता है, या तो वो फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है, जैसे पाई बॉन्ड है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये मेरे पास पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनर हो सकता है। देखो जो भी यहां मीजोमेरिक की बात कर रहा हूं, रेजोनेंस की बात कर रहा हूं, क्योंकि मीजोमेरिक जो है एक रेजोनेंस का ही टाइप है, तो जो मीजोमेरिक की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ओनली फोर, या पाई बॉन्ड की बात होगी, पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की कोई बात नहीं होगी, ना ही सिग्मा बॉन्ड की बात होगी, ठीक है। कि यहां से जितने भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है या विड्रॉ करेगा, हमेशा पाई बॉन्ड के थ्रू ही देना होगा, ठीक है। तो मान लो मेरे पास ये, इसके पास एक फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास कोई लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, यहां से अपना ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है इस सिस्टम को, जो ये पाई बॉन्ड है इसको क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, जिसे आप इस, तो इस फंक्शनल ग्रुप को क्या कहोगे, पाई डोनर, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर कहोगे, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। और अगर किसी भी, कोई भी फंक्शनल ग्रुप किसी को भी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है विद पाई बॉन्ड के थ्रू, तो उसको बोला जाता है प्लस एम इफेक्ट, उसका नाम होता है प्लस एम इफेक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या करता है, मैंने क्या कहा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप किसी भी पाई बॉन्ड को अगर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, या किसके बगल में किसी पी ऑर्बिटल को, यहां से इस फंक्शनल ग्रुप के बगल में अगर किसी पी ऑर्बिटल को या डी ऑर्बिटल को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो वो क्या कहलाएगा, प्लस एम से आप उसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। दूसरा केस यहां क्या हो सकता है, कि यही मेरे पास एल्कीन है सिंपली, और इस एल्कीन पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, और ये फंक्शनल ग्रुप के पास क्या ऐसा क्या है कि यहां ये तो क्या कर रहा था, डोनेट कर रहा था, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर था ये। अब कुछ दूसरा फंक्शनल ग्रुप ऐसा हो सकता है जो विड्रॉ कर ले, मतलब इलेक्ट्रॉन खींच ले अपनी तरफ, खींचे, ये तो क्या कर रहा था, डोनेट कर रहा था। अब दूसरा में टाइप का फंक्शनल ग्रुप कैसा हो सकता है, कि जो विड्रॉ करे, कि मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन थे इसको ये विड्रॉ कर ले, मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया। तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू, पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, तो उसका नाम होता है माइनस एम। तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, माइनस एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग सर, जीओसी में थर्ड लेक्चर की स्लाइड अभी अपलोड नहीं हुई है, सैटरडे संडे को, अरे भाई ऑनलाइन डिस्कशन होगा आपको, देखो जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनको ग्रुप पे मैसेज ना उसके फोन नंबर दे रखे होंगे व्हाट्सएप की, तो आप वहां अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वहां डायरेक्टली वहां मैसेज वो उसके फोटो क्लिक करके भेज सकते हो, और वहां मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। तो ये टेंशन नहीं लेना है कि भाई हम तो सर सैटरडे संडे आते ही नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अंजना, अगर जीओसी की थर्ड स्लाइड्स अपलोड नहीं हुई है तो एक बार मैम से बात कर ले, जो भी आपको नंबर मिले हुए हैं कैम अकेडमी के, तो नंबर पे अगर बात कर ले, बता देना है कि मैडम यहाँ अपलोड नहीं हुई थर्ड स्लाइड, ठीक है, तो आपको अपलोड करवा दी जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने कहा दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, एक ऐसे फंक्शन जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, एक ऐसे फंक्शन जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, खींचते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसे क्या कहा जाता है, प्लस एम, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे उसे माइनस एम। अब हमें यह देखना है कि कौन से प्लस एम होते हैं और कौन से माइनस एम फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ये प्लस एम वाले फंक्शनल ग्रुप थी, किसकी बात करूं, जो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं। देखो जिसके पास लोन पेयर होगा वही तो डोनेट करेंगे, क्योंकि अगर लोन पेयर हुआ ही नहीं तो बताओ डोनेट कैसे करेंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड के थ्रू देने हैं। तो जैसे मेरे पास नाइट्रोजन के हो सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक है। आपके पास NR2 हो सकता है, या फिर नाइट्रोजन का ही NHCOR हो सकता है, ये हो सकते हैं। तो इन सभी के पास आप देख सकते हो लोन पेयर होगा, लोन पेयर होगा तो ये अपने बगल वाला अगर पी ऑर्बिटल उसमें मिलता है तो वो डोनेट कर सकता है, ठीक है।
जैसे ऑक्सीजन वाले हो सकते हैं, जैसे OH हो गया, OR हो गया, OCOR हो गया, ठीक है, जैसे फास्फोरस का हो गया PR2 हो गया, तो ये भी इसके पास भी लोन पेयर है, फास्फोरस के पास भी, ये भी डोनेट कर सकता है। जिसके पास भी लोन पेयर है वो सब क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं अपने साइड में वैकेंट ऑर्बिटल को, और अगर वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट करेंगे तो वो क्या होंगे, प्लस एम की तरह बिहेव करेंगे, पाई डोनर हो कहलाएंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास यहां सल्फर हो सकता है, SH हो सकता है, SR हो सकता है, या SCOR हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसको प्लस एम के सारी कैटेगरी रखेंगे। आपके पास हेलोजन हो सकते हैं, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, और आयोडीन हो गया, ठीक है, ये भी हो सकते हैं। आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, जैसे लोन पेयर था, लोन पेयर की जगह लोन पेयर नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज लोन पेयर की तरह बिहेव करता है, तो आपके पास CH2 नेगेटिव हो सकता है, OHO नेगेटिव हो सकता है, या NH नेगेटिव हो सकता है, O नेगेटिव हो सकता है। ये सभी कैटेगरी क्या होंगी, प्लस M की तरह, ये सभी जो फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं मैंने, ये सभी के सभी क्या करेंगे, प्लस M की तरह बिहेव कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे आपके पास माइनस एम की बात करूं, कौन कौन से माइनस एम के हो सकते हैं, तो देखो माइनस एम के जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं माइनस एम वाले, तो माइनस एम वाले कौन से होंगे, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अगर कोई ले रहा है तो उसके पास क्या होना चाहिए, कोई खाली वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके पास स्पेस ही नहीं हुआ रखने के लिए, जैसे आप बाहर से मान लो अपने घर के लिए फर्नीचर लेके आ रहे हो, तो अगर आपके पास वो फर्नीचर रखने के लिए स्पेस है ही नहीं, तो बताओ उसका, उस फर्नीचर का कोई काम ही नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर माइनस एम वाले फंक्शनल ग्रुप कौन से होंगे, जिसके पास खाली जगह होगी वही तो ले सकता है दूसरे से इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब उसके पास क्या होना चाहिए, तो वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि अगर कोई ले रहा है इलेक्ट्रॉन, माइनस एम वाले मैंने कहा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, लेंगे इलेक्ट्रॉन, तो लेंगे कब, जब उसके पास जगह होगी, खाली जगह होगी इसके पास, तभी वो ले सकता है। अब वैकेंट ऑर्बिटल कौन कौन सा हो सकता है, या तो पी ऑर्बिटल हो सकता है, या डी ऑर्बिटल हो सकता है वैकेंट, या पी ऑर्बिटल हो सकता है, डी ऑर्बिटल हो सकता है। पी ऑर्बिटल किस में बताया था मैंने, बोरोन के पास, जैसे BH2 हो गया, बोरोन के पास बताया था। डी ऑर्बिटल किसके पास बताया था, जैसे आपके पास फॉस्फोरस हो गया, PR2 हो गया, ठीक है ना, जैसे आपके पास सल्फर हो गया, SH हो गया, ठीक है, जैसे आपके पास हेलोजन्स हो गया, हेलोजन्स के पास फ्लोरीन को छोड़कर उन सभी के पास क्या होता है, थर्ड जिस क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन, उन सभी के पास क्या वैकेंट पी वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब एक तो हमने देख लिया कि भाई वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, अगर वो माइनस, कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर माइनस एम की तरह बिहेव तभी कर सकता है जब उसके पास क्या हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल या वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। अब दूसरा ऐसा हो सकता है कि मान लो तुमने फर्नीचर का तो ऑर्डर दे दिया, जगह नहीं है स्पेस रूम में, मान लो आपके घर में रखने की जगह नहीं है, पर आप उसमें जगह बना सकते हो, जो सामान है उसको एडजस्ट करके इतना स्पेस क्रिएट कर सकते हो कि वहां फर्नीचर जो आपने बनवाया है वो अपने घर में रख सको, तो इसका मतलब वो भी किसकी तरह बिहेव कर सकता है, माइनस एम की तरह, मतलब जो टेंडेंसी रखता हो वैकेंट ऑर्बिटल करवाने की। एक तो उसके पास ऑलरेडी मान लो आपने फर्नीचर का ऑर्डर दे दिया और आपके पास रूम खाली पड़ा हुआ, उसमें आराम से इजीली सेट कर सकते हो। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपके घर में स्पेस नहीं है, पर आप इतना कर सकते हो उस फर्नीचर के लिए जगह एडजस्ट कर सकते हो, उसके सामान को इतना एडजस्ट करके जगह स्पेस खाली कर सकते हो जिसमें फर्नीचर आ जाए। तो इसका मतलब दूसरे टाइप के माइनस एम कौन से हो सकते हैं, जो वैकेंट ऑर्बिटल करने की टेंडेंसी रखते हो, वैकेंट क्रिएट कर सके। तो हम यहां क्या करेंगे, दूसरे टाइप के केस कौन से हो सकते हैं, टेंडेंसी टू क्रिएट वैकेंट ऑर्बिटल, कि वो वैकेंट ऑर्बिटल खाली करने की टेंडेंसी रखते हो। वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आपके पास जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, जैसे COX, X मतलब एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एस्टर हो गया, एमाइड हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, एसिड हो गया, सब क्या होंगे, माइनस एम की तरह बिहेव करेंगे, जो वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करने की टेंडेंसी रखेंगे। आपके पास NO2 हो सकता है, जैसे इस टाइप का हो गया, आपके पास साइनाइड हो सकते हैं, साइनाइड इस टाइप के, तो ये सभी के पास क्या होगा, टेंडेंसी होगी टू क्रिएट वैकेंट ऑर्बिटल्स की, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ये किसको हम माइनस एम कहेंगे, कौन से फंक्शनल ग्रुप होंगे जो माइनस एम कहेंगे, कौन से फंक्शनल ग्रुप होंगे जिसको हम प्लस एम कहेंगे, ठीक है। अब देखो यहां
NHCOR में नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में भी तो होगा। देखो इधर ध्यान दो भाई, अब हमें बात करनी है यहां प्लस एम की बात करेंगे। अब तो हमने देखा है कि ग्रुप कौन कौन, किसको हम कौन से फंक्शनल ग्रुप को माइनस एम कहेंगे, किस फंक्शनल ग्रुप को प्लस एम कहेंगे, ठीक है। अब हमें उनका इफेक्ट देखना होगा। जैसे प्लस एम ग्रुप है तो प्लस एम ग्रुप होगा कौन पावरफुल प्लस एम इफेक्ट क्यों करेगा, मतलब कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कौन कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसका मतलब हमें उनकी स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी, उनकी ताकत देखनी पड़ेगी। जिसकी ताकत ज्यादा होगी वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जिसके पास ताकत कम होगी, पावर कम होगी, तो वो क्या करेगा, कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यही चेक करना हमें स्ट्रेंथ ऑफ प्लस एम, स्ट्रेंथ ऑफ प्लस एम की। अभी तक जो हमें ग्रुप तो पता चल गए हैं कि कौन से प्लस एम होंगे, कौन से माइनस एम वाले फंक्शनल ग्रुप होंगे, पर अभी तक हमें यह नहीं पता चला था उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कि कौन ज्यादा प्लस एम लगा रहा होगा, कौन प्लस एम लगा रहा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि मान लो मेरे पास ये कोई एल्कीन है और इस एल्कीन के बगल में कोई ए लोन पेयर का कोई एटम जुड़ा हुआ है या कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है। एक मेरे पास दूसरा है, यही मेरे पास एल्कीन है, सिंपली यहां बी एटम है, इसके पास भी लोन पेयर है। अब हमें इन दोनों के बीच में, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, ठीक है, और ये भी अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। इसको लोन पेयर है, जिसके पास भी लोन पेयर नेगेटिव तो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कहां से कर रहा है, देखो यहां जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें कोई चेंज नहीं है और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो पाई बॉन्ड के थ्रू कर रहा है, ठीक है। तो यहां से आपको ये चीज समझनी होगी कि ये मेरे पास दो हैं, एक तो ए डोनेट कर रहा है, एक बी डोनेट कर रहा है, तो इन दोनों के अंदर किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यही हमें चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ए ज्यादा डोनेट करेगा या बी ज्यादा डोनेट करेगा। तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स रखने होंगे, कि उन्हीं पॉइंट्स को आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहला, जब भी आपको प्लस एम की स्ट्रेंथ देखनी है तो आपको सबसे पहला पॉइंट क्या चेक करना होगा, यहां एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। सबसे पहला पॉइंट भाई आपको क्या चेक करना पड़ेगा, ओवरलैपिंग चेक करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि आपके पास ये मेरे पास कोई एल्कीन थी, तो ये एल्कीन का जो पी ऑर्बिटल होगा, ये बताओ यहां क्या बना रखा है, पाई बॉन्ड बना रखा है, और इसके बगल में मैंने कोई सेकंड पीरियड का, जैसे मेरे पास ये ए एटम है, ये सेकंड पीरियड का है भाई, मतलब ये सेकंड पीरियड का है, और ये कौन सा है, 3p अपने ऑर्बिटल से डोनेट कर रहा है। ये 2p ऑर्बिटल से मैं मान लेता हूं, थोड़ी देर के लिए कह देता हूं, जो ए डोनेट कर रहा है वो 2p ऑर्बिटल से डोनेट कर रहा है, जो बी डोनेट कर रहा है वो 3p से ऑर्बिटल से डोनेट कर रहा है। तो यहां से इसके पास, ए के पास जो लोन पेयर था ये था, ठीक है। दूसरा केस मैं यहां से बना रहा हूं कि मेरे पास ये जो है, एक तो ये है और ये एल्कीन क्या बना रखा है, यहां पाई बॉन्ड, ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन दो सिग्मल है, और ये जो बी है ये कौन सा है, 3p ऑर्बिटल से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मैंने मान लिया है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो आपको पता है कि 3p और साइज की बात करता हूं तो 3p ऑर्बिटल की साइज ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 2p के। ये आपको पता है कि 3p की जो साइज होती है वो ज्यादा होती है, उस ऑर्बिटल की साइज ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 2p के। तो यहां 2p की जो साइज है उससे मैं थोड़ी सी यहां बड़ी साइज बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, 3p ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल है। अब देखो यहां इसके 3p के पास भी एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर रख दिया मैंने। अब यहां से जब आप देखोगे कि जो मेरा ये कार्बन है, बताओ ये भी 2p है, कार्बन भी 2p है, यहां पर ये कार्बन भी 2p है, ठीक है। तो यहां से इस 2p की और इस 2p की साइज, ऑर्बिटल की साइज रहेगी वो इक्वल रहेगी ऑलमोस्ट। तो यहां से ये अपना इजीली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अगर या इसकी बात करें तो इसकी साइज इस 2p की और इस 3p की साइज कंपेरेबल नहीं है, इसकी साइज ज्यादा है, तो यहां एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगी, वीक होगी, क्योंकि जो आप दो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करवा रहे हो, एक बड़ा ऑर्बिटल है साइज में, एक छोटा ऑर्बिटल है, तो उन दोनों की इजीली यहां जो ओवरलैपिंग होगी वो वीक होगी, और वीक होगी तो यहां से इसका मतलब कि यहां जितनी ज्यादा साइज डिफरेंस होगा उसकी ओवरलैपिंग वीक होगी, ओवरलैपिंग वीक होगी तो यहां से डोनेशन टेंडेंसी भी वीक होगी, क्योंकि यहां ओवरलैपिंग होगी तभी तो पाई बॉन्ड बनेगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया भी नहीं तो इनके सी और इस बी के बीच में क्या बना, पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो बताओ देखिए ये छोटा है ये बड़ा ऑर्बिटल है, तो इनके बीच में पाई बॉन्ड बनना क्या होगा, वीक बनेगा।
तो जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी मैं कहूंगा उतना ही प्लस एम ज्यादा होगा। तो यहां से प्लस एम जो होगा वो 2p का सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 2p 3p के। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं, जैसे आपसे कह दिया जाए कि आपको, जैसे मेरे पास ये एल्कीन है और यहां OR ग्रुप दे दिया जाए, ठीक है, और एक आपके पास यही एल्कीन है, ये आपके पास क्या दे SR ग्रुप दे दिया जाए, कहा जाए कि इन दोनों में बताओ, देखो यहां अब फंक्शन ग्रुप क्या, एल्कीन थोड़ी ना फंक्शन ग्रुप है, तो यहां से आपको ये लोन पेयर है, सेम यहां सल्फर के पास भी दो लोन पेयर है, तो ये भी अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ये भी अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, मतलब दोनों के पास ही क्या है ऐसी टेंडेंसी कि प्लस एम क्रिएट करेंगे और प्लस एम लगाएंगे। तो यहां से अब हमें देखना पड़ेगा कौन ज्यादा प्लस एम लगा रहा होगा। तो यहां अगर प्लस एम ज्यादा प्लस एम की बात करेंगे तो ये मेरे पास 2p है, ये 2p है, यहां से इसका भी 2p है, ये भी 2p है, नहीं सॉरी 3p है, ठीक है, ये 3p ऑर्बिटल है। तो यहां 2p 2p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग अच्छी होगी क्योंकि साइज कंपेरेबल होगी, साइज इजीली डोनेट कर देगा। तो यहां से प्लस एम ज्यादा डोनेट करेगा एज कंपेयर टू इसके, यहां से प्लस एम कम डोनेट होगा। तो ये मैं कहूंगा ये मेरे पास यहां से इसमें प्लस एम ज्यादा होगा और इसमें कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास कार्ब केटाइन ले लेता हूं मैं, ठीक है, और कार्ब केटाइन बगल में मैंने NH2 रख दिया और यहां एक और मैंने ले लिया कार्ब केटाइन और यहां मैंने रख दिया PR2। ठीक है, दोनों में कहा जाए कि बताओ इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करो फॉर दीज कार्बोकेटायन, कंपेयर द स्टेबिलिटी फॉर दीज कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करो। तो देखो मैंने कहा था कि कार्बोकेटायन होगा तो कार्बोकेटायन के पास क्या होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। इस कार्बोकेटायन के पास क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है। अब इसके पास डेफिशिएंसी है, वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा तो कार्बोकेटायन में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, यहां पर भी टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। तो हमें पता है अगर उसके कार्बिटन के बगल में कोई लोन पेयर वाली चीज होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, उस कार्बिटन मीजोमेरिक स्टेबलाइज कार्बिटन के नाम देते हैं। वो मीजोमेरिक यहां लोन पेयर है इसके पास, तो ये लोन पेयर डोनेट करता है तो ये कार्बिटन स्टेबल होगा। कैसे स्टेबल होगा, हम कहेंगे भाई इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल था तो यहां जो 6 इलेक्ट्रॉन थे वो अब क्या बन चुके होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन बन गए होंगे इसके पास। अब इसका क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैंने कहा जितने भी सिग्मा ये इलेक्ट्रॉन लिखा, इसका मतलब सिग्मा भी आ गए, पाई भी आ गए, लोन पेयर भी आ गए, नेगेटिव चार्ज भी आ गया। तो यहां चार बॉन्ड बने हैं, 3 सिग्मा 1 पाई, तो यहां से टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। जो 6 इलेक्ट्रॉन थे अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो यहां 8 इलेक्ट्रॉन बन गए। तो इसका मतलब ये NH2 इसको स्टेबलाइज कर रहा है किसके थ्रू, प्लस एम के थ्रू, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इससे ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। बट ये भी अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो ये भी स्टेबलाइज तो कर रहा है इसको, ये भी क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। तो यहां से मैं कहूंगा ये भी अपना यहां PR2 बना दिया और यहां ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां से लोन पेयर के पास ये पॉजिटिव चार्ज था तो यहां पर भी ये 8 इलेक्ट्रॉन्स बन गए हैं। तो दोनों ही इसको स्टेबलाइज, कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कर रहे हैं। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा इन दोनों कार्बोकेटायन के अंदर, यहां स्टेबिलिटी कंपेयर करना है तो ये दोनों ही स्टेबलाइज किया, ऑक्टेट कंप्लीट किया, पर हमें यहां ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से प्लस एम किसका ज्यादा, मतलब कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कौन ज्यादा करेगा। मैंने कहा ये कार्बन का यहां से क्या होता है 2p होगा, कार्बन का ये भी 2p ऑर्बिटल होगा, इसके पास ये भी 2p ऑर्बिटल, ये 3p आ जाएगा। 2p 3p ओवरलैपिंग वीक होती है एज कंपेयर टू 2p 2p के। तो मैं कहूंगा मेरे पास जो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है ये मेरा कार्बन है ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू प्लस एम ज्यादा होगा, प्लस एम की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे आपके पास और एग्जाम्पल की मान लो बात करें, जैसे सिंपली ये कार्बन के टाइम दे दिया और उसके बगल में फ्लोरीन दे दिया, यहां से ये कार्बोकेटायन दे दिया, इसके बगल में मान लो ये मेरे पास क्लोरीन दे दिया, कहा जाए कि बताओ अब इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करो। तो यहां से मैं कहूंगा ये मेरा 2p 2p और रैपिंग करेगा, ये मेरा 2p 3p और रैपिंग करेगा, ठीक है ना, ये 2p 2p ये 2p 3p। तो इसका मतलब यहां से 2p 2p और रैपिंग होगी तो ये मेरा ज्यादा करेगा, स्टेबल होगा, ये ज्यादा इसको स्टेबल बना देगा। ठीक है, तो ये आपका पहला चेक करना है ओवरलैपिंग, पहला क्या फैक्टर देखोगे, ओवरलैपिंग का फैक्टर देखोगे। अब दूसरा फैक्टर आपको देखना है
कौन सा, अगर मान लो ऐसा केस हो जाए कि इसमें ओवरलैपिंग वीक मतलब ओवरलैपिंग इक्वल हो जाए, मतलब जो सेकंड सेकंड और टूपी टूपी ही मान लो सभी केसेस में प्लस एम चेक कर रहे हैं और प्लस एम के अंदर सभी में ही टूपी टूपी ओवरलैपिंग हो रही है, तब हमें कोई दूसरा फैक्टर लेके आना पड़ेगा। और वो कौन सा फैक्टर होगा, ये फैक्टर आपको कब लगाना है, जब आपकी ओवरलैपिंग इक्वल हो जाती है दोनों केसेस में, जिसमें भी आप कंपेयर कर रहे हो उन सभी केसेस के अंदर ओवरलैपिंग अगर इक्वल हो जाती है तब आपको सेकंड फैक्टर देखना है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफेक्ट ऑफ ईएन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपको इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी है। अब इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेक करेंगे, आपको पता है यहां से मान लो मेरे पास कह दिया जाए कि बताओ इनमें प्लस एम किसका ज्यादा होगा, जैसे आपके पास एन आर टू हो गया, जैसे ये पाई बॉन्ड हो गया, यहां एन आर टू था, यहां मेरे पास ओ आर था, ठीक है, और ये आपके पास एल्किन दे दी जाए और यहां क्या लिख दिया जाए, यहां फ्लोरीन। कहा जाए कि इन तीनों के अंदर प्लस एम का बताओ क्या ऑर्डर होगा, तो मतलब किस कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहां से हम सबसे पहला फैक्टर तो क्या चेक करेंगे, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग चेक करेंगे। तो ये कार्बन 2p ऑर्बिटल का, ये मेरा नाइट्रोजन 2p ऑर्बिटल का, यहां से ये कार्बन 2p ऑर्बिटल का या ऑक्सीजन 2p ऑर्बिटल का, यहां से ये मेरा कार्बन 2p ऑर्बिटल का, ये फ्लोरीन 2p ऑर्बिटल का। इसका मतलब कि यहां ओवरलैपिंग तो वीक है ना, ओवरलैपिंग तो सभी में क्या है, इक्वल है, तो ओवरलैपिंग से अगर एक्सप्लेन नहीं होता है प्लस एम, तो आप सेकंड फैक्टर किसके पास जाओगे, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहती है, ध्यान से समझना है भाई, देखो जिसके भी न्यूक्लियस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, न्यूक्लियस की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की ज्यादा होगी तो उस न्यूक्लियस की होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब यहां क्या है, जैसे आपका ये लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ये एक तरह से वो एग्जांपल की तरह जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। कैसे होगे, जैसे आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी तो जो लोन पेयर है ये जो लोन पेयर, क्योंकि ये लोन पेयर ही इसको डोनेट करना है, इस कार्बन को लोन पेयर ही डोनेट करना है, तो अगर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो लोन पेयर न्यूक्लियस से पास होगा और न्यूक्लियस के पास होगा तो उसकी क्या होगी, होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, मतलब वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन नहीं देने देगा। किसी भी एटम के पास जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होती है तो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या मैं ये कहूं लोन पेयर की होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, होल्डिंग मतलब उसको होल्ड करके रखेगा, पकड़ के रखेगा, दूसरे को वो लोन पेयर नहीं देने देगा। यहां ये करना क्या चाह रहा है, ये अपना लोन पेयर दूसरे को डोनेट कर रहा है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो दूसरे को अपना लोन पेयर डोनेट नहीं करने देगा, अगर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो वो इजीली क्या कर सकता है, दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, क्योंकि उसकी न्यूक्लियस की बाइंड, यहां न्यूक्लियस की होल्डिंग कैपेसिटी जो होगी उस लोन पेयर के ऊपर वो कम होगी। मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी यहां से डोनेशन टेंडेंसी ऑफ लोन पेयर, ठीक है, कि मेरी जितनी ज्यादा यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की भी रहेगी उसकी डोनेशन टेंडेंसी ऑफ लोन पेयर, डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी, ठीक है। तो यहां से अगर आप चेक करोगे कि आपकी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो इसका मतलब कम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब सबसे कम प्लस एम होगा। इसकी बात करेंगे ओआर की तो मैं कहूंगा ओआर एनआर टू में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, 3.5 होती है, नाइट्रोजन की 3.1 या 3 के अप्रोक्स होती है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां सबसे कम होगी, तो ये नाइट्रोजन जो होगा ये सबसे ज्यादा प्लस एम डोनेट करेगा ऑक्सीजन और फ्लोरीन कंपेयरिंग। तो मैं यहां प्लस एम का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और सबसे लिस्ट फ्लोरीन। जैसे आपके पास एक और एग्जांपल दे दिया जाए, कहा जाए कि इसमें के बताओ कि जैसे मेरे पास ये एल्कीन है, यहां से PR2 दे दिया जाए, यहां से मेरे पास ये एल्कीन है, ये OR दे दिया जाए, और आपके पास तीसरा एक और एग्जांपल दे दिया जाए, यहां क्लोरीन दे दिया जाए। कहा जाए कि बताओ इन तीनों में यहां से किसका प्लस एम ज्यादा होगा, तो हम क्या कहेंगे, भाई देखो तीनों के पास ही लोन पेयर है, तीनों के पास ही लोन पेयर तो अवेलेबल है,
ठीक है, तो लोन पे तीनों ही डोनेट कर सकते, तीनों ही प्लस एम लगा सकते हैं, पर यहां हमें यह चेक करना पड़ेगा कि मेरे पास यहां डोनेशन कौन ज्यादा करेगा, स्ट्रेंथ चेक करनी पड़ेगी। तो हमने कहा स्ट्रेंथ के लिए सबसे पहला फैक्टर क्या चेक करोगे, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग यहां चेक करेंगे तो ये भी मेरा 2p है, ये 3p है, ये 2p से डोनेट करेगा, ये 3p से करेगा, थर्ड पीरियड का है, ये आपका 2p है सेकंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का है, तो 3p हो जाएगा। इसका मतलब तीनों की ओवरलैपिंग तो इक्वल है। अगर ओवरलैपिंग इक्वल हो जाती है तो हमें सेकंड फैक्टर कौन सा देखना पड़ेगा, यहां इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी डोनेशन टेंडेंसी ऑफ लोन पेयर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां से हमें देखना पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां चेक करेंगे तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है फॉस्फोरस की सबसे कम होती है एज कंपेयर टू, ये ऑक्सीजन है, सॉरी ऑक्सीजन नहीं था, ये क्या है, सल्फर है, SR है भाई, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं था, सल्फर है, ठीक है। तो ये आपका 3p हो जाएगा। तो यहां से हमें देख सकते हैं कि मेरे पास फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, उसके बाद सल्फर, क्योंकि सबसे ज्यादा किसकी होगी, यहां क्लोरीन की होगी, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, तो इसका मतलब इसका प्लस एम सबसे कम रहा होगा, तो यहां फास्फोरस का प्लस एम सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद सल्फर का, और सबसे लीस्ट किसका हो जाएगा, क्लोरीन का, क्या हो जाएगा, प्लस एम यहां सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या चेक करना है, प्लस एम की स्ट्रेंथ के लिए ओवरलैपिंग। अगर ओवरलैपिंग इक्वल हो जाती है तो सेकंड फैक्टर आपको क्या चेक करना पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी डोनेशन टेंडेंसी ऑफ लोन पेयर क्या होगा, कम होगा। अब ऐसा भी केस आ जाए कि मान लो मेरे पास ओवरलैपिंग भी इक्वल हो जाए और डोनेशन टेंडेंसी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इक्वल हो जाए, तब हमें क्या चेक करेंगे, तब आपको तीसरा फैक्टर देखना पड़ेगा, वो तीसरा फैक्टर होगा क्रॉस रेजोनेंस। तीसरा फैक्टर क्या चेक करोगे भाई, क्रॉस रेजोनेंस, क्रॉस रेजोनेंस। क्रॉस रेजोनेंस का मतलब यहां क्या होगा, देखो इधर ध्यान दो, जैसे मेरे पास ये एल्कीन है और ये एल्कीन में आपके पास ये ए एटम है जिसके पास एक लोन पेयर है, ठीक है। दूसरा आपके पास यहां दूसरा कंपाउंड, जैसे मैंने ये ले लिया ए एटम ही, जो ये एटम है वही ए एटम है, ठीक है। दोनों मैंने एटम, यहां से आप देखोगे कि जो मेरा ए एटम है वो भी उसके पास एक लोन पेयर है, यहां पर भी यही जो सेम एटम है यही ए एटम है। इन दोनों के अंदर कहा जाए प्लस एम किसका ज्यादा होगा, तो यहां हमें ए एटम तो दिख गया कि भाई इसका ओवरलैपिंग भी इक्वल होगी और आपका यहां क्या होगा, दूसरा कौन सा बताया था, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो भी इक्वल हो। तो तीसरा आपको फैक्टर चेक करना पड़ेगा कौन सा, क्रॉस रेजोनेंस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे आपको मान लो 100 रुपए आपके पास और किसी दो बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो 100 रुपए, तो आप दोनों को क्या करोगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो क्या करोगे 50-50 रुपए दे दोगे, यही तो करोगे कि दोनों के पास, अब दोनों के पास कितनी अमाउंट गई 50-50 रुपए। अब मान लो कोई दूसरा आदमी है उसके पास भी 100 रुपए ही है, आपके पास भी 100 रुपए है, आपके दोस्त के पास भी 100 रुपए, उसको चार बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उस बच्चे उस आपका दोस्त क्या करेगा, 25 रुपीज क्या कर देगा, पर स्टूडेंट को दे देगा, पर बच्चे को दे देगा। तो उसने क्या किया, उसके जो चार बच्चे थे उसने चार बच्चों को दिया, तो वह क्या हुआ 25 रुपए आपने दिए, तो आपने क्या दिया, दो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट 50-50 रुपए दिए। तो इसका मतलब अगर डोनेट कर रहे हो तो डोनेट लेने वाला अगर क्या होगा, कम होगा, लेने वाला कम होंगे, मान लो दो बच्चे की जगह एक बच्चा हो जाए तो उसको 100 का 100 दे दोगे, तो लेने वाला अगर कम होगा तो वहां क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन तुम डोनेट कर सकते हो या ज्यादा पैसे डोनेट कर सकते हो। अगर लेने वाले ज्यादा हो जाएंगे तो आप कम पैसे डोनेट कर पाओगे, आप कम पैसे डोनेट, जैसे वहां आपने एक बार चार बच्चों को डोनेट कर रहे हो तो चार बच्चों 25 गए, एक बार आप दो बच्चों कर रहे हो तो क्या उनके पास कितने कितने रुपए गए, 50-50 रुपीज गए। तो इसका मतलब लेने वाला अगर क्या हो जाए, कम होते हैं तो आप ज्यादा पैसे दोगे उनके पास, जो डिस्ट्रीब्यूट में आएंगे वो ज्यादा पैसे, अगर लेने वाले ज्यादा हो जाते हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कम पैसे आएंगे। ये सेम काम यहां पर भी है, अगर ये डोनेट कर रहा है अपना इलेक्ट्रॉन तो लेने वाला अगर एक ही है तो अपना सारा का सारा लोन पेयर उसको डोनेट कर देगा जो लेने वाला है। अगर मान लो लेने वाला एक से ज्यादा हो जाते हैं तो वो क्या करेगा, दोनों को इक्वल डिवाइड कर देगा, दोनों को अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास है तो यहां लेने वाला ये है और डोनेट करने वाला ये ए है, तो ये डोनेट करेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, जितना इसके पास इलेक्ट्रॉन था वो सारा का सारा इस एल्कीन को डोनेट कर दिया।
अगर यही सेम एटम है पर यहां लेने वाला एक और लेने वाला दो आ गए, एक से ज्यादा लोन पेयर आ गए, ना लेने वाला एक से ज्यादा आ गया, तो ये क्या करेगा, आधा इसको दे देगा और आधा इसको दे देगा। तो ये दोनों को क्या कर दिया, आधा आधा बांट दिया। तो इसने क्या क्या, मतलब इसकी डोनेशन टेंडेंसी, इसकी अगर मैं इस एल्कीन की बात करूं, क्योंकि यहां हमें इन दो के साथ कंपेयर करना है, तो यहां लेने वाला क्या हुआ, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम मिल रहे हैं इसको, क्योंकि ए इसको आधा इसको दे रहा है, आधा इसको दे रहा है, तो यहां जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो ये हमारा क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे ये मेरे पास एल्कीन है सिंपली, और ये आपका ओ आर ग्रुप है, और ये क्या आपके पास यहां डाल दिया मैंने, यहां ओ सी ओ आर, और यहां एल्कीन है, जैसे यहां एल्कीन बना लेता हूं, यहां ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड ओ आर। जैसे आपको ये कहा जाए कि इन दोनों के अंदर आपको चेक करना है कि प्लस आई में किसका ज्यादा होगा, तो देखो यहां ये तो मेरा क्या है, लेने वाला, तो ये अपना लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, ठीक है। तो ये लोन पेयर अगर हमें चेक करना है कि कितना डोनेट करेगा, तो ये लोन पेयर इसके साथ भी डोनेट कर रेजोनेंस करेगा, इसके साथ रेजोनेंस करेगा, तो यहां ये नेगेटिव, ये सी डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव और सी डबल बॉन्ड ओ आर ये बन जाएगा, और यही लोन पेयर इसको भी डोनेट करेगा ये, तो एक टाइम पे सारा का सारा लोन पेयर इसको तो नहीं दे सकता, कुछ लोन पेयर इसको भी देगा, कुछ लोन पेयर सीओ भी लेगा, तो सीओ लेगा तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव सीओ माइनस और आर। तो इसका मतलब अगर यहां क्रॉस रेज, इसको क्या कहा जाता है, क्रॉस रेजोनेंस, मतलब मैं इस तरफ से भी रेजोनेंस कर रहा हूं और इस तरफ से भी रेजोनेंस कर रहा हूं, दोनों तरफ से अगर रेजोनेंस हो रहा है तो उसे बोला जाता है क्रॉस रेजोनेंस। इसको क्या कहा जाता है, क्रॉस रेजोनेंस। तो क्रॉस रेजोनेंस मतलब दोनों तरफ से रेजोनेंस कर रहा हूं, तो मेरी डोनेशन टेंडेंसी क्या होगी, वीक होगी, क्योंकि मैं अपना पूरा का पूरा लोन पेयर एक को नहीं दे सकता, दोनों के साथ रेजोनेंस मुझे करना पड़ेगा। तो ये इस सीओ को भी दे रहा होगा और इस कार्ब इस एल्कीन को भी डोनेट कर रहा होगा, तो क्या इस एल्कीन को यहां पूरा का पूरा अपना इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन डोनेट नहीं कर पाएगा, तो मैं कहूंगा कि ये तो लोन पेयर होगा, तो ये तो अपना पूरा का पूरा लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, क्योंकि ये अपना पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये थोड़ा इसको भी देगा और इसके साथ भी रेजोनेंस, तो इसको भी देना पड़ेगा। तो ये क्रॉस रेजोनेंस कर रहा है और ये आपका क्रॉस रेजोनेंस यहां है नहीं, तो इसका पूरा पूरा लोन पेयर इस एल्कीन को डोनेट कर देगा। तो अगर मैं इन दोनों एल्कीन में कंपेयर करूं कि किस एल्कीन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिले, या मैं कहूं किसको ये ओआर ग्रुप या ओसीओआर ग्रुप ज्यादा डोनेट किया, तो ये लोन पेयर तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इस एल्कीन को डोनेट कर दिया, बट ये लोन पेयर जो होगा ये पूरा का पूरा इस एल्कीन को डोनेट नहीं कर पाता है। तो यहां ध्यान रखना है, क्रॉस रेजोनेंस जो होता है वो हमेशा कम प्लस एनसीओ करेगा एज कंपेयर टू यहां जो आपका क्रॉस रेजोनेंस का जो भी फंक्शन ग्रुप होगा वो उसके कंपैरिजन के अंदर, ठीक है। तो यहां प्लस एन की बात करेंगे तो इसका प्लस एन क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इसके, ठीक है। इस केसेस में जैसे फॉर एग्जांपल और बात करें कि मेरे पास यहां NH2 है और एक मेरे पास यहां क्या है NH C डबल बॉन्ड O R है, इन दोनों की अगर बात करें कि किसका प्लस एन ज्यादा होगा, तो यहां मैं इजीली कह सकता हूं कि भाई ये तो क्या करेगा, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर क्रॉस रेजोनेंस करेगा, इस सीओ के साथ भी करेगा और इस एल्कीन के साथ भी करेगा, तो दोनों तरफ करेगा, तो कम कम इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, ये अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इस एल्कीन को दे देगा, तो इसका प्लस एन क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इसके। तो यहां से आप कह सकते हो कि अगर मेरा OH के कंपेरिजन में OCOR का प्लस एन, ये OH का प्लस एन ज्यादा होगा यहां, और अगर मेरे पास यहां मैं बात करूं कि मेरा NH2 है और एक NHCOR है, तो इन दोनों में चेक करूंगा तो यहां प्लस एन ज्यादा होगा। तो देखो यहां आपके पास इसमें चेक करोगे तो ओवरलैपिंग भी इक्वल है और दूसरा आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इक्वल है। पहला आपको केस चेक करना है ओवरलैपिंग, अगर ओवरलैपिंग से प्लस एन नहीं पता चलता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी नहीं पता चलता है तो क्रॉस रेजोनेंस के पास आओगे। अगर मान लो क्रॉस रेजोनेंस से भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो आपका केस, तो आपका एक फोर्थ फैक्टर कौन सा होगा, लास्ट फैक्टर होगा, वो होगा OH वर्सेज कंपेरिजन ऑफ OH वर्सेज OCH3, ये केसेस। जैसे मेरे पास यहां एल्कीन में ये OH दे रखा है और OCH3 दे रखा है, कहा जाए कि भाई यहां से जैसे ये एल्कीन है, ये एग्जांपल दे दिया जाए, यहां से OH और ये आपके पास एल्कीन है, मतलब OR ग्रुप है,
ठीक है, या OCS3 ले लेता हूं यहां, ठीक है। तो इन दोनों में कहा जाए कि भाई इनमें OH और OCS3 में प्लस M किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा, तो वो चेक करने के लिए आपको कैसे चेक करोगे, तो देखो पहला आपने मैंने क्या कहा, आपको ओवरलैपिंग चेक करनी है। तो आप देखोगे कि यहां इसकी भी 2p ऑर्बिटल है, इसका भी 2p ऑर्बिटल है, सेकंड पीरियड के दोनों, यहां पर भी 2p ऑर्बिटल है, यहां पर भी 2p ऑर्बिटल, मतलब ओवरलैपिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा, अगर मान लो ओवरलैपिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पास जाओगे, जिसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका प्लस एम ज्यादा होगा। तो यहां चेक करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन दोनों की ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इक्वल है, तो यहां से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से एक्सप्लेन नहीं हुआ। तीसरा, किसके पास जाओगी, यहां आपके पास क्रॉस रेजोनेंस के पास, क्रॉस रेजोनेंस गया तो ये इसकी, इसके पास भी क्रॉस रेजोनेंस नहीं है, इसके पास भी क्रॉस रेजोनेंस नहीं है, तो क्रॉस रेजोनेंस से भी एक्सप्लेन नहीं हो रहा। तब आपके पास फोर्थ फैक्टर कौन सा होगा, आपके पास इनके बीच में कंपेरिजन, आपने जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा तो एक NBPR थ्योरी होती है उसके, वो पढ़ी होगी, तो वो क्या कहती है, वो कहती है जैसे आपने कई बार जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा तो ये दो एग्जांपल जरूर देखे होंगे, एक तो H2O और एक आपका यहां OCl2। ये जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो तो ये दो एग्जांपल कॉमन एग्जांपल होते हैं। कहा जाता है कि इसका अगर हम एक्सपेरिमेंटली, यहां इसकी ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो एक्सपेरिमेंटली कितना होता है, जब चेक करते हैं तो 104 डिग्री अप्रोक्स आता है। बट इसका अगर मैं एक्सपेरिमेंटली इसका चेक किया जाता है तो यहां चेक किया जाता है ये 111 डिग्री होता है, मतलब इसका 111 डिग्री। इसमें भी दो लोन पेयर है, इसमें भी एक ऑक्सीजन है, इसमें भी दो लोन पेयर, एक ऑक्सीजन है, बस जो डिफरेंस है यहां दो हाइड्रोजन है, यहां दो क्लोरीन है। तो इस बॉन्ड एंगल का कैसे आ जाता है यहां इतना, ये इसका 104 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, इसका 111 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, तो कैसे हमें यहां चेक करते हैं, किसके बेसिस पे यहां समझाया जाता है, वो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया जाता है, NBPR थ्योरी, ठीक है। हमें उस NBPR के पास नहीं जाना है, हमें सिंपली वो NBPR का ही यहां कॉन्सेप्ट उठाना है। देखो यहां ये बॉन्ड एंगल बढ़ता क्यों है, किसकी वजह से, ऐसा क्या हो जाता है कि ये बॉन्ड एंगल, अगर दो हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं तो इसका बॉन्ड एंगल 104 होता है, अगर दो क्लोरीन जुड़ जाता है तो 111 हो जाता है। देखो यहां होता क्या है, ये जो दो क्लोरीन है ये आपका बल्की ग्रुप है, थर्ड पीरियड से आते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या लगता है, स्टेरिक रिपल्सन लगता है, स्टेरिक रिपल्सन। इन दोनों के बीच में क्या लगता है भाई, स्टेरिक रिपल्सन, और जो ये स्टेरिक रिपल्सन की वजह से जो रिपल्सन लग रहा है तो ये दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। ये मान लो एक मेरे पास ये ऑक्सीजन है, यहां पर ये क्या है, ऑक्सीजन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, जब ये हाइड्रोजन था, ये दोनों जब मेरे हाइड्रोजन थे तो यहां ये पास पास थे, क्यों, क्योंकि इन हाइड्रोजन के बीच में कोई स्टेरिक रिपल्सन नहीं था। पर जैसे मैंने थर्ड पीरियड का ले आया, थर्ड पीरियड का लेके आता है, यहां मैंने क्या रख दिया, दोनों क्लोरीन, और ये मेरा क्या है, यहां ऑक्सीजन है, तो इन दोनों क्लोरीन के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन लगने लग जाता है। तो ये अपना रिपल्सन कम करने के लिए क्या हो जाते हैं, डिस्टेंस, अपनी डिस्टेंस बढ़ा लेते हैं, मतलब बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर देते हैं। तो इसका मतलब इन दो क्लोरीन की वजह से यहां स्टेरिक रिपल्सन लगेगा, और इस स्टेरिक रिपल्सन की वजह से इसका बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है। सेम कहानी यहां क्या हो जाती है, मान लो ऑक्सीजन के साथ में क्या ले आता हूं, दो CH3 ग्रुप ले आया, तो दो CH3 ग्रुप ले आया, तो ये CH3 ग्रुप क्या होते हैं, बल्की होते हैं, बल्की होंगे। अब मैंने क्या कहा, क्लोरीन को हटाया, इसकी जगह दो CH3 लगाते हैं, यहां क्या हो गया, इन दोनों CH3 के बीच में भी स्टेरिक रिपल्सन होता है, तो ये भी अपनी डिस्टेंस इंक्रीज, मतलब बॉन्ड एंगल बढ़ा देते हैं, तो यहां से बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, यहां का भी लगभग 111 डिग्री के अप्रोक्स ही आता है। इसका मतलब ये इन दोनों के बीच में भी क्या हो रहा होगा, स्टेरिक रिपल्सन, इनके बीच में भी क्या हो रहा होगा, स्टेरिक रिपल्सन। तो इस स्टेरिक रिपल्सन की वजह से इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, और इस बॉन्ड एंगल बढ़ने से देखो होता क्या है, वो हमें यहां मीजोमेरिक पे, यहां उनकी स्ट्रेंथ पे क्या आ जाती है, डिफरेंस आ जाता है कि किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिया था कि मैंने कहा था कि भाई ये मेरा ऑक्सीजन है, यहां हाइड्रोजन है, और ये आपकी एल्कीन है, ठीक है। और तो यहां से होता क्या है, देखो इसके साथ रेजोनेंस करेगा तो आपको पता है इसका पी ऑर्बिटल रेजोनेंस करेगा, ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल, और इसके पास यहां क्या होंगे, इसके पास इसका भी पी ऑर्बिटल रेजोनेंस कर रहे होंगे, जो ये पाई बॉन्ड बनाया होगा।
तो ये पी ऑर्बिटल यहां इस एल्कीन और इस हाइड्रोजन के बीच में स्टेरिक रिपल्शन नहीं होगा, तो ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन इस पी ऑर्बिटल के अंदर डोनेट कर देगा। बट यहां क्या लगा दिया जाता है, इस ऑक्सीजन के बगल में यहां क्या लगा दिया जाता है, आपके पास CH3 ग्रुप लगा दिया जाए। तो ये जो पी ऑर्बिटल, ये मेरे पास एल्कीन है, तो इसके बीच में यहां क्या है, आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है, और इसका लोन पेयर, ऑक्सीजन का लोन पेयर कहां से करता है भाई, पी ऑर्बिटल से डोनेट करता है। तो जब इन दोनों के, जैसे आपने यहां H को हटा करके जब CH3 ग्रुप ले आते हो, तो इस एल्कीन और इस CH3 के बीच में क्या लगने लग जाता है, स्टेरिक रिपल्शन, स्टेरिक रिपल्शन। तो इस स्टेरिक रिपल्शन की वजह से ये अपना बॉन्ड एंगल थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। बॉन्ड एंगल इंक्रीज होने से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है वो देखो, यहां ध्यान समझना है भाई। जैसे इसका बॉन्ड एंगल बढ़ता है, तो जो ये पी ऑर्बिटल था, ये जो आपका पी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे, लोन पेयर था, वो थोड़ा सा टिल्टेड हो जाता है, मतलब अपने प्लेन से थोड़ा सा हट जाता है। जैसे मैं ये प्लेन बना दिया इसका, थोड़ा सा अपने प्लेन से डाइवर्ट हो जाता है। जैसे ही थोड़ा सा अपने प्लेन से डाइवर्ट होगा, तो ये अपने जो इलेक्ट्रॉन रखेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां क्या नहीं कर पाएगा, एक परफेक्ट ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा, मतलब एक तरह से अपना कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट कर पाएगा, या मैं कहूं एक अच्छी ओवरलैपिंग, गुड ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस स्टेरिक रिपल्शन की वजह से इसका जो पी ऑर्बिटल था वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया, टिल्ट होने की वजह से, या डाइवर्ट हो गया, डाइवर्ट होने की वजह से यहां ये अपना इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो मैं यहां क्या कहूंगा, ओवरलैपिंग जो होगी वो वीक हो जाएगी, और यहां क्या होगी, गुड ओवरलैपिंग होगी, या मैं ये कहूं परफेक्ट ओवरलैपिंग, परफेक्ट ओवरलैपिंग होगी, परफेक्ट ओवरलैपिंग। और इस परफेक्ट ओवरलैपिंग होने की वजह से, जितनी मैंने कहा सबसे पहला ही पॉइंट क्या चेक करते हैं, ओवरलैपिंग। तो जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी यहां, तो मैं कहूंगा जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी उसका प्लस एम भी उतना ही ज्यादा होगा, मतलब उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो क्या कहेंगे, OH का प्लस एम की अगर बात करते हैं, तो OH का प्लस एम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू OCH3 या OR के रेस्पेक्ट में। जो भी OR ग्रुप होगा, तो उस OR का OH के कंपैरिजन में क्या होगा, कम ही होगा। तो यहां से मैं क्या कहूंगा, ये OH क्या होगा, कम होगा, यहां ज्यादा हो जाएगा OCH3 के कंपैरिजन के, ठीक है। अगर OCH3 यहां हम बात करें OCOR की, तो ये क्रॉस रेजोनेंस है, तो ये सबसे कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका होता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो सबसे ज्यादा OH का, फिर OCH3 का, और फिर OCOR का प्लस एम सबसे ज्यादा होगा, ये मेरे पास ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी थी स्ट्रेंथ ऑफ प्लस एम की। तो इससे रिलेटेड अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, तो फटाफट पूछ लो भाई। पहला आप क्या चेक करोगे, ओवरलैपिंग, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरा क्रॉस रेजोनेंस, और फोर्थ क्या चेक करोगे, OH वर्सेज OCH3 के बीच में, ठीक है। तो जो भी इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को, तो फटाफट पूछ लो भाई, फिर आगे बढ़ते हम। सर PR2 ग्रुप का नेम, अरे PR2 फॉस्फोरस है, कुछ भी लिख ले, ठीक है, फॉस्फोरस है तो, ठीक है ना। PR2 हमें ये चेक करना है भाई, ऑर्बिटल कौन सा है इसके पास, ठीक है, ये डोनेट कर सकता है, तो 3p ऑर्बिटल से डोनेट करेगा, बस इतना ध्यान रखना है तुझे। फाजान क्या कह रहा है, NHCOR में नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में भी तो होंगे, तो मैंने कब मना किया है भाई, कि ये तो है क्रॉस रेजोनेंस में, ले तो आया हूं इसको फाजान, ले तो आया हूं भाई, कर तो रहा है, मैंने कब मना किया, नहीं होंगे। सर आपने तो बोला था हेलोजन में प्लस एम दिखाएगा फिर, तो सुप्रिया मैं क्या कह रहा हूं, मैं भी तो कह रहा हूं प्लस एम दिखाता है हेलोजन को, पर मैं कहा है प्लस एम नहीं दिखाता है, ठीक है। पर जब आप आगे पढ़ोगे, तो हेलोजन्स में आप देखोगे कि वो डोमिनेट करता है माइनस आई, जो आपने पढ़ा है कि भाई कॉलेज के अंदर पढ़ते हो कि हेलोजन्स का तो माइनस आई डोमिनेट करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है, तो वो इंडक्टिव इफेक्ट प्लस एम भी लगाता है और माइनस आई, पर उसमें डोमिनेट जो करेगा वो माइनस आई करता है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट की बात है वो।
पर ये नहीं कहेंगे प्लस एम नहीं लगाता, लगाता है प्लस एम तो, चाहे कम लगाता हो। सुप्रिया है प्लस हैलोजन्स लगाते हैं प्लस एम। श्वेता ने क्या कहा है, सर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर सो इट विल होल्ड द इलेक्ट्रॉन मोर बेटर सो इट सल्फर शुड डोनेट। ओवरलैपिंग वीक है श्वेता, ओवरलैपिंग भी तो पहला फैक्टर, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर तो सेकंड है। मैंने कहा सीक्वेंस अगर तुम बिगाड़ दोगी तो आपका क्वेश्चंस भी बिगड़ जाएगा। तो श्वेता प्लीज, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कहा था सीक्वेंस, भाई सीक्वेंस पे ध्यान देना है। सीक्वेंस चेंज हुआ इसका मतलब क्वेश्चन बिगड़ा, यहां पर भी सीक्वेंस अगर बिगाड़ दिया तो समझ लो प्लस एम का कॉन्सेप्ट भी बिगड़ गया। तो सीक्वेंस सबसे ज्यादा मैटर करता है, पहले ओवरलैपिंग चेक करनी है श्वेता, ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आप पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करने जाओगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। ठीक है श्वेता, नो डाउट नो डाउट नो डाउट, पूरा समझ में आ गया सर जी, थैंक यू सर फॉर ऑर्डर एंड कॉन्सेप्ट, नोट एनी प्रॉब्लम सर। पायरोल पिरिडीन का ऑर्बिटल डायग्राम बतला दोगे? बिल्कुल बतला देंगे सौरभ, एरोमेटिसिटी पढ़ाएंगे सब चीजें, टेंशन ना ले। ठीक है, एरोमेटिसिटी में आएगा एमओटी डायग्राम की कहानी। अरे भाई फाजान, NHCOR जो होगा वो क्यों माइनस एम दिखाएगा, तो खुद सोच, मैंने माइनस एम पढ़ाया है क्या भाई? मैंने बताया है कि ऐसा ऐसा ये ग्रुप होते हैं माइनस एम शो करते हैं, कहीं वो लिखा है मैंने NHCOR जो है वो माइनस एम शो करता है? वो नहीं लिखा है तो इसका मतलब नहीं शो कर रहा होगा भाई। ठीक है फाजान, नहीं लिखा है तो नहीं शो कर रहा होगा, क्यों नहीं शो करता वो हम आगे पढ़ेंगे जब माइनस एम पढ़ेंगे तब। ठीक है, ठीक है फाजान, ये ध्यान रख, NHCOR माइनस एम शो नहीं करेगा, क्यों नहीं करता वो हम माइनस एम में ही देखेंगे। तो आप ये तो इतना तो खुद ही देख लेना चाहिए था, मैंने लिखा ही नहीं NHCOR कि ये माइनस एम शो करता है। ठीक है, Cl2O का बता दो सर, इज इससे डिफाइन क्या क्या है आपने, लेकिन ऊपर स्टेरिक ग्रुप Cl2 से यही डिफाइन किया है मैंने, इसी को NBPR कहा जाता है, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर NBPR थ्योरी बोला जाता है इसी को, कि ये अपने जो साइड एटम है अगर ये बल्कि ले लिए जाते हैं, बल्कि ले लिए जाते हैं तो इनके बीच में, ध्यान दो इधर, ये जैसे साइड एटम बल्कि ले लिए जाते हैं तो इनके बीच में स्टेरिक रिपल्सन होने लगता है। तो बताओ दो चीजों के बीच में स्टेरिक रिपल्सन अगर होगा तो वो दोनों चीज दूर दूर चली जाएंगी, और दूर दूर जाएंगी तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाने लगेगा, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। एक टेट्राहाइड्रल है sp3, sp3 का बॉन्ड एंगल आपको पता है कितना होना चाहिए, 109 के अप्रोक्स होना चाहिए। ठीक है, पर इसका उससे भी ज्यादा आ गया, क्यों आ गया, ड्यू टू NBPR, या मैं ये कहूं इन दोनों के रिपल्सन की वजह से ये दूर दूर चले गए तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल बढ़ गया। अब ये बॉन्ड एंगल बढ़ने से यहां क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जैसे आपने ये OH एच की जगह क्या लगाया, CH3 लगाया, जब H था तो इस एल्कीन और हाइड्रोजन के बीच में कोई रिपल्सन नहीं हो रहा था, तो यहां से ये पी ऑर्बिटल इजीली इसमें डोनेट कर रहा था, मतलब एक परफेक्ट ओवरलैपिंग कर रहा था, और जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगा तो उसकी प्लस एम की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। बट यहां क्या हो गया, जैसे आप यहां आर ग्रुप लेके आए, एल्काइल ग्रुप लेके आए, तो वो एल्काइल ग्रुप और इस एल्कीन के बीच में क्या होने लगा, स्टेरिक रिपल्सन, और इस स्टेरिक रिपल्सन की वजह से ये CH3 यहां दूर भागेगा तो ये मेरे एल्कीन भी दूर भागेगा, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन का जो ये पी ऑर्बिटल था, जो ये लोन पेयर था, इसका ऑर्बिटल का थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता अपने प्लेन से, या मैं ये कहूं ये थोड़ा टिल्ट हो जाता ऑर्बिटल, जिसकी वजह से एक परफेक्ट ओवरलैपिंग नहीं मिल पाती है, और अगर परफेक्ट ओवरलैपिंग नहीं मिल पाएगी तो आपका प्लस एम जो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि प्लस एम किस चीज पर डिपेंड करता है, ओवरलैपिंग पे। ठीक है तपस, ओके, रेड कलर दिखाई नहीं देता है भाई, ठीक है आगे ध्यान रखेंगे भाई। करनम प्लस एम Pr2 प्लस एम माइनस एम दोनों शो करेगा वो मैं आगे बता दूंगा भाई, ज्यादा दिमाग मत लगाया कर, ठीक है, ठीक है करनम, मैं जितना बता रहा हूं वो माइनस एम आगे की कहानी है, वो मैं खुद बताऊंगा भाई दोनों शो करते हैं, पहले ये तो सुन ले, जितना बताया है उससे तो क्वेश्चन अगर नहीं बन रहे तो आप बार बार इसको कमेंट करके भाई टाइम वेस्टेज करते हो। मैं ये चीजें बता दूंगा, Pr2 आगे आएगा जब माइनस एम हो जाएगा, ठीक है, आप पीछे की बातें पूछ सकते हो, आगे की बात मत पूछो, एडवांस की भाई सर ये कर ले, वो स्ट्रेंथ बता ही नहीं है माइनस एम की। ठीक है करनम,
सुप्रिया सर मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है सो इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन सो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इजीली डोनेट ना। सुप्रिया ये घर की बातें हैं, ये घर ही रखो, कोई काम की नहीं है बात, ठीक है, ये कोई काम की नहीं है। रेजोनेंस क्या कहता है, मैं चीख चीख के बोल रहा हूँ भाई, एक रेजोनेंस जो है वो पाई बॉन्ड के थ्रू की बात करेंगे, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू नहीं करेंगे। जो ये CH3 दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू दे रहा है सुप्रिया, ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा, और सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा है तो उसमें मीजोमेरिक से कोई वास्ता नहीं है उस चीज का। सिग्मा बॉन्ड कहीं पर भी सिग्मा बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आ गया, समझ लो मीजोमेरिक और रेजोनेंस का वास्ता खत्म हो गया उससे, ठीक है। तो ध्यान रख सुप्रिया, ये इलेक्ट्रॉन प्लस एम ये दे रहा है ले रहा है, ये कुछ ध्यान नहीं रखना, आपको मीजोमेरिक समझना है, वो ये इस पाई बॉन्ड से चेक करना है, ये पाई बॉन्ड से कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसके सिग्मा बॉन्ड से कौन दे रहा है कौन ले रहा है इससे कोई मतलब मत रख, ठीक है, मीजोमेरिक में। वरना मीजोमेरिक ये समझ फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी, सभी को मिक्स नहीं करना है, मैं सभी को क्लियरली बता रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं भाई, रेजोनेंस मीजोमेरिक में ओनली फॉर पाई बॉन्ड की बात करेंगे, सिग्मा बॉन्ड का कहीं नाम नहीं लेना है, ठीक है, नो डाउट, ठीक है भाई, रेड कलर नहीं लेंगे यूज करेंगे, ओके। क्रॉस रेजोनेंस के केस में इफ यदि ए के पास दो लोन पेयर हों और एक का वो लोन पेयर फिर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा तो कंपैरिजन कैसे करेंगे। देवेश क्या पूछना चाह रहा है, क्रॉस रेजोनेंस केस में ए के पास दो लोन पेयर हैं, एक बार तो वो लोन पेयर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो कंपैरिजन कैसे करें। भाई देख यहाँ ऑक्सीजन खुद ही लगा के देख ले क्रॉस रेजोनेंस में, अरे भाई सामने एग्जांपल लिखा है, एक ही जगह ऑक्सीजन रख के देख ले, बस क्या फर्क पड़ता है, ये ऑक्सीजन देखो ये रख के देख रखा है मैंने, ये दूसरा लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा भाई, दूसरे प्लेन में बैठा हुआ है ये, इसका ऑर्बिटल मैंने कहा था रेजोनेंस होने के लिए, ये एक तरह का रेजोनेंस है, लोन पेयर पाई रेजोनेंस, लोन पेयर पाई रेजोनेंस को हम मीजोमेरिक बोल रहे हैं यहाँ। तो यहां ये लोन पेयर जो डोनेट कर रहे हो इसका पी ऑर्बिट, मैंने कहा ये जो लोन पेयर है ये दोनों लोन पेयर का घर अलग अलग है भाई, इनमें से एक लोन पेयर ही प्लेन में रह सकता है। रेजोनेंस होने के लिए तीसरी कंडीशन याद कर कि पी ऑर्बिटल शुड बी प्लेन में होने चाहिए, प्लेन के अंदर है। तो ये जो लोन पेयर होगा ये दूसरे प्लेन में बैठा हुआ है, ये दूसरे में, ये तो हाइब्रिड में है और ये पी ऑर्बिटल में है, ठीक है। तो ये नहीं कि एक लोन पेयर इसको दे दिया एक लोन पेयर इसको दे दिया, ऐसा नहीं होगा भाई, एक ही लोन पेयर होगा जो इस दोनों के प्लेन में रहेगा, ठीक है। दूसरा लोन पेयर कहां रहेगा, हाइब्रिड में, क्योंकि वो रेजोनेंस नहीं कर रहा है। मैंने कहा था रेजोनेंस होने के लिए तीसरी कंडीशंस क्या है, पी ऑर्बिटल प्लेन के अंदर होने चाहिए, तो इन दोनों में से एक ही लोन पेयर रहेगा प्लेन के अंदर, ठीक है देवेश। सुष्मिता सर OC2H5 OCOR में कौन अच्छा करेगा। देखो सुष्मिता इतनी देर से मैं समझा रहा हूं, बताओ कोई फायदा नहीं है ऐसे क्वेश्चन पूछने से। देखो तुमने पूछा है भाई, देख खुद ही बताओ, इसने सुष्मिता ने पूछा है क्वेश्चन कि सर OC2H5 लगा दिया मैंने और OCOR लगा दिया या C2H5 ले लिया, ठीक है, इन दोनों में सुष्मिता ने पूछा प्लस एम किसका ज्यादा होगा। देखो ये सामने लिखा है यहाँ OH का सबसे ज्यादा होगा, फिर OR का होगा, फिर OCH3R OCOR का होगा, ये मैंने OCH3 OR मान लो, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ इन दोनों कंपेरिजन इसका ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ क्रॉस रेजोनेंस होगा, यहाँ क्रॉस रेजोनेंस नहीं होगा सुष्मिता, ये जो CH3 लिख दिया यहाँ CH3 आकर C2H5 तो और बल्कि है, तो और ज्यादा इसका पी ऑर्बिटल टिल्ट हो जाएगा तो उसका प्लस एम तो और कम हो जाएगा, पर यहां OCOR के देखेंगे तो मैंने यहां ये फोर्थ टाइप रखा है। देखो मैंने ये फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे आपको क्या चेक करना है, क्रॉस रेजोनेंस। आप देखोगे ये क्रॉस रेजोनेंस करेगा ये नहीं करेगा, तो जो नहीं करेगा वो ज्यादा डोनेट करेगा, जो क्रॉस रेजोनेंस करेगा वो कम डोनेट करेगा, ठीक है। अरे भाई अंशुमान क्या पूछ रहा है सर, MOT GOC के बाद पढ़ाएंगे क्या, अरे MOT कोऑर्डिनेशन की कहानी है, GOC ऑर्गेनिक में आता है, MOT इनऑर्गेनिक में आती है भाई, खुद सोच अंशुमान। MOT से हमें जो MOT में यूज करूंगा वो एरोमेटिसिटी में थोड़ी यूज करूंगा, ठीक है, तो वो MOT वो अलग है, MOT इनऑर्गेनिक की अलग है, ठीक है, वो आपको अलग से पढ़ाई जाएगी MOT। सर लास्ट स्लाइड में OCH3 में CH3 इलेक्ट्रिक पतन, देवेश क्या लिख रहा है OCH3 CH3, गुड इन नो डाउट कंटिन्यू सर। दिव्यांशु
क्या पूछना चाह रहा है सर? देखो दिव्यांश सिंह पूछना चाह रहा है सर, क्रॉस रेजोनेंस की प्लस हेमिस्टेरिक रिपल्सन से कम होगी क्या अगर दोनों का कंपेरिजन करना हो तो? अरे यार तुम बिल्कुल ही दिमाग नहीं लगाते हो क्या थोड़ा भी? भाई मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ भाई, सीक्वेंस फॉलो करो, सीक्वेंस फॉलो करो। ये OH और OCH3 कब पूछा है? फोर्थ पॉइंट पे। और क्रॉस रेजोनेंस कब आ रहा है? थर्ड पॉइंट पे। इसका मतलब थर्ड पॉइंट वाला ये आपके जो पास होगा, ये थर्ड क्रॉस रेजोनेंस का जो आ रहा है, तो क्रॉस रेजोनेंस पहले चेक करेंगे। ये आपका यहाँ ऑर्डर लिख के दे रखा है भाई, ये ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा OH का, फिर OCH3 का, फिर इसका होगा। यहाँ इन दोनों के अंदर क्रॉस रेजोनेंस है ही नहीं, ये ओनली इन दोनों के यहाँ OR और OH के बीच में कंपेरिजन है बस। ठीक है, क्रॉस रेजोनेंस का तो कम ही होगा। दीचा तो बताओ मैं क्या कर सकता हूं इसमें, 9 से 5 करें बताओ सर, क्लास चल रही थी, लैब चल रही थी, फाइल भी कंप्लीट करनी है, फिर आप पढ़ा भी रहे हो, तो बताओ इससे मैं क्या कर सकता हूँ? बताओ, आपको पढ़ना है तो पढ़ लो, और नहीं तो टाल कर दो, और क्या मैं कहूँ? देखो इससे मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, मुझे क्लास लेनी है, और भी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, लगभग तुम 300-400 बच्चे, 500 बच्चे तक पढ़ रहे हो, ठीक है ऑनलाइन। तो रिचा इसमें आपको बैलेंस करना पड़ेगा, देखो कुछ सीखना है तो कुछ हासिल करना है तो इतना तो बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ये मैंने अभी तक, अब देखो मैं बोलूं तभी आपको मैसेज करना है, अब कोई मैसेज नहीं करना है, ठीक है? मैं कहूं भाई मैसेज करो तभी करनी है मैसेज। अब देखो ये जो मैंने प्लस एम की स्ट्रेंथ पढ़ाई है कि सबसे पहले आप ओवरलैपिंग चेक करोगे, उसके बाद आपको क्या चेक करना है, ओवरलैपिंग के बाद आपको यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी है, फिर क्रॉस रेजोनेंस देखना है, फिर OH और CH3 में OR का इफेक्ट देखना है, ठीक है? इसका NBPR चेक करनी है। अब ये कहाँ कहाँ यूज होंगे वो भी हमें, कि आपको क्वेश्चन में एग्जाम के अंदर कहाँ कहाँ ये यूज करवा सकता है GOC के अंदर, तो इसका मतलब उसका एप्लीकेशन भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो यहां हमें पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ प्लस एम इफेक्ट, मतलब कहां कहां ये आपके आप प्लस एम इफेक्ट मिल सकता है, आपको ये भी मैं बता देता हूं भाई कहां कहां मिलेगा। तो चार जगह ही मिलेगा ये प्लस एम जीओसी के अंदर। सबसे पहला आपको कहां मिलेगा, इन रिएक्टिविटी ऑफ, इन रिएक्टिविटी ऑफ क्या होगा, एल्कीन, एल्कीन की रिएक्टिविटी के अंदर आपको ये अप्लाई कर सकता है एग्जामिनर। दूसरा कहां अप्लाई कर सकता है, इन रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, बेंजीन के अंदर अप्लाई कर सकता है। तीसरा आपके पास कहां यूज कर सकता है, इन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, इन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। फोर्थ यहां आपको क्या यहां होगा, इन रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है? ये चार केसेस हैं आपको जो प्लस एम का मिल सकता है, प्लस एम का इफेक्ट देखने को मिल सकता है। एक एक करके हम चारों चीजें पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला इफेक्ट आएगा इन रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन, एल्कीन के अंदर हमें इस प्लस एम का इफेक्ट देखना है। तो देखो यहां कैसे आप चेक करोगे, जैसे मेरे पास ये एल्कीन है भाई, ध्यान से समझ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये, कि अभी तक जो आपने प्लस एम सीखा है वो एग्जामिनर कहां देगा आपको, कहां यूज करवाएगा, तो कैसे यूज करोगे वो भी चेक कर लेते हैं। जैसे ये एल्कीन है और इस एल्कीन के साथ कोई इलेक्ट्रोफाइल डाल देगा आपको, यानी क्या कहा, जैसे सिंपली आपको एक एल्कीन दे देगा और उसमें कहेगा एक ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल आपने खूब पढ़े होंगे, H प्लस हो गया, जैसे कार्बोकेटाइन में पढ़ते हो CH3 पॉजिटिव हो गया, जैसे मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन पढ़ा होगा तो वहां Hg+2 होता है, ओजोन लाइसिस पढ़ते हो O3 भी एक इलेक्ट्रोफाइल हो गया, MCPBA भी पढ़ते हो, इस टाइप के आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलेंगे, ठीक है?
तो यहां मैंने कहा कि आपको सिंपली एक इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया भाई, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो इसका मतलब जो भी रिएक्शन होती है तो एक न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में रिएक्शन होगी। तो यहां से ये जो एल्कीन होती है ये बिहेव करती है किसकी तरह, बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। क्यों करेगी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव, क्योंकि आपको यह पता है कि इस एल्कीन के पास क्या है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट, और पाई बॉन्ड होगा तो उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी रहेगी, तो इस एल्कीन के पास क्या होती है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होती है, और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो ये एल्कीन किसकी तरह बिहेव करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है हरेक जगह, ठीक है। तो एल्कीन के क्यों करती है, क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो ये अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करेगा और डोनेट करके रिएक्शन कर लेगा, जो हम ऑर्गेनिक में बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। पर हमें यहां मतलब किस चीज से है, मतलब जीओसी में यूज इसका क्या है, इस रिएक्शन का जीओसी में ये यूज ये है कि अगर मान लेता हूं मैं, मेरे पास जैसे ये एल्कीन है सिंपली, और इस एल्कीन में जैसे ये कोई फंक्शनल ग्रुप है जो आपका प्लस एम लगा रहा है, जैसे ये लोन पेयर है इसके, तो ये लोन पेयर होंगे तो बताओ इस एल्कीन को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करेंगे तो जो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, कि जितना हम कहेंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप है, या मैं ये कहूं ये प्लस एम, जितना ज्यादा होगा प्लस एम अगर इंक्रीज होता है, यहां से लिख देता हूं, प्लस एम इंक्रीज होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी एल्कीन के अंदर क्या होगी, इंक्रीज होगी, और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर एल्कीन के अंदर इंक्रीज होगी तो भाई यहां क्या होता जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल जो एल्कीन है इसका अटैक, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक विल बी मोर, ठीक है, कि जितना ज्यादा आपका प्लस एम लगाएगा उतनी ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जितनी ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहेगा कि बताओ मेरे पास ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा और कहेगा कि आपके पास ये दो एल्कीन है, यहां कोई इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया है और इसकी जो रेट है वो के वन रेट से जा रहा है, जो आपका ए बनता है प्रोडक्ट, ठीक है, और यहां मैंने लगा दिया ओ एम ई लगा दिया, और यहां से मैंने एक इलेक्ट्रोफाइल, वही सेम इलेक्ट्रोफाइल, ये के टू रेट से जा रहा है, तो कह देगा कि बताओ इन दोनों के अंदर रेट किसकी ज्यादा होगी, तो यहां से देखोगे कि ये क्या लगाएगा, प्लस एम डोनेट करेगा, मतलब ये आपका ओ एम ई प्लस एम लगाएगा, प्लस एम लगाएगा तो इस एल्कीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएंगी भाई, इंक्रीज हो जाएंगी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो मैं कहूंगा रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि यहां मेरे पास जो के टू रेट होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू के वन के। इस टाइप के क्वेश्चन आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहां पर एल्कीन आएगी वहां पर ये कॉन्सेप्ट जरूर आपको फॉलो करना पड़ेगा आपको यहां। तो ये चीज अगर आपको आती है तो वहां इजीली आप उस क्वेश्चन को समझ लोगे, अगर ये नहीं आती है तो इजीली नहीं समझ पाओगे, ठीक है। जैसे और एग्जांपल्स करते हैं, जैसे सिंपली आपको कह दिया जाए कि ये क्वेश्चन है, जैसे ये आपके पास एक ये एल्कीन है, जैसे यहां ओएमई लगा दिया, ये ए एल्कीन है, और एक आपके पास ये बी एल्कीन है, और कहा जाए कि इसके पास इलेक्ट्रोफाइल दे रखा है वन इक्विवेलेंट, तो बताओ कौन सी एल्कीन अटैक कर रही होगी, तो मैं कहूंगा जिस एल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो एल्कीन यहां इजीली अटैक करेगी। तो देखेंगे कि यहां मेरे पास ए के पास क्या लगाएगा, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये क्या लगा रहा होगा, प्लस एम लगा रहा होगा, प्लस एम लगा रहा होगा, तो इस ए एल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये इजीली इसको डोनेट कर देगा इस लोन पेयर को, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, फास्ट होगी, जितनी ज्यादा इस एल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो रेट विल बी क्या होगा, ज्यादा होगी किसकी, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि मेरी ए की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी के। और एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, जैसे आपके पास सिंपली ये एग्जांपल दे दिया जाए, कहा जाए कि बताओ इन दोनों के अंदर यहां जैसे ये NH2 लगा दिया, ये SH लगा दिया, और कहा जाए कि इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया जाता है वन इक्विवेलेंट,
तो बताओ, ये अगर ए एल्कीन है, ये अगर बी एल्कीन है, तो कौन सी एल्कीन इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेगी वन इक्विवेलेंट डाल रखा है तो मैं कहूंगा जिस एल्कीन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो एल्कीन यहां इजीली अटैक करेगा, या मैं कहूं उसकी रिएक्टिविटी फास्ट होगी। तो यहां से प्लस एम चेक करेंगे, ये मेरे पास लोन पेयर है, ये भी प्लस एम लगा रहा है, ये भी प्लस एम लगा रहा है, ठीक है, ये भी प्लस। तो यहां से किसका प्लस एम ज्यादा होगा, तो मैंने कहा पहला आप चेक करोगे ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग मतलब 2p2p ओवरलैपिंग, वी फास्ट सबसे स्ट्रॉन्ग होगी, तो ये भी 2p, ये भी 2p, ये भी 2p, ये 3p। तो यहां से इसका मतलब नाइट्रोजन का प्लस एम ज्यादा होगा, यहां पर नाइट्रोजन का प्लस एम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सल्फर का। तो इसका अगर प्लस एम नाइट्रोजन का ज्यादा होगा तो इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एल्किन के पास होगी नाइट्रोजन वाले के पास, तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक भी नाइट्रोजन वाली एल्किन का ज्यादा होगा, मतलब ए एल्किन रिएक्टिविटी ऑफ ए एल्किन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू देन बी के, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल की बात करें तो आपके पास ये एल्किन जैसे दे देगा, और यहां आपके पास जैसे OCS3 लगा दिया, यहां OCOR लगा दिया, और इसमें भी कह दिया जाए कि वन इक्विवेलेंट डाल दिया इलेक्ट्रोफाइल, कहा जाए कि ये एल्कीन ए है, ये बी एल्कीन है, तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बताओ क्या होगी, किसकी रेट ज्यादा होगी रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो यहां से मैं क्या बताऊं, मैं कहूंगा कि मेरे पास सबसे ये मेरे पास प्लस एम लगाएगा, ये भी ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होगा ये भी प्लस एम लगाएगा, दोनों ही प्लस एम शो करेंगे, पर ज्यादा प्लस एम कौन करेगा, तो मैंने कहा पहला आप चेक करोगे ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग देखोगे तो दोनों तरफ 2p2p ओवरलैपिंग होगी, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की इक्वल है, उसके बाद थर्ड क्या करोगे क्रॉस रेजोनेंस, हम कहेंगे ये ऑक्सीजन हमारा क्या करेगा क्रॉस रेजोनेंस नहीं कर रहा है, ये ऑक्सीजन क्रॉस रेजोनेंस करेगा मतलब इधर भी देगा इलेक्ट्रॉन और इधर भी देगा, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी डोनेशन टेंडेंसी कम हो जाएगी, इसकी ज्यादा होगी, तो OCS3 का जो होगा प्लस एम जो होगा वो ज्यादा होगा भाई एज कंपेयर टू OCOR के या OCOR के, तो इसका प्लस एम ज्यादा, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इस एल्किन के पास, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो मैं कहूंगा रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक भी ज्यादा हो जाएगा। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, ए की क्या होगी रेट या रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी के, ठीक है। तो इस टाइप से इसी को ही हम क्या इसी को ही इस टाइप से भी आपको मिल सकता है, OAC बोला जाता है इसको, यहां से OAC करके लिख देगा और OCS3, ये जो OAC है भाई यही है OCOCS3 ही, ठीक है, OAC लिख के दे सकता है, तो OAC यही है, ठीक है, समझ जाना है, ठीक है, आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला रिएक्टिविटी था रिएक्टिविटी ऑफ एल्किन के अंदर, ठीक है। अब सेकेंड हम केस लेके चल रहे हैं, सेकेंड केस इन रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, बेंजीन के अंदर इस प्लस एम का क्या यूज होगा वही हमें देखना, उनकी रिएक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि मैंने कहा कि मेरे पास ये बेंजीन है, ठीक है, और इसमें भी क्या करवाया मैंने इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया, खूब पढ़ते हो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस पढ़ते हो, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ते हो, ठीक है, तो उसमें कई सारी रिएक्शंस इस टाइप से पढ़ते हो सब्स्टिट्यूशन के अंदर, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर। तो यहां से हमें पता है कि ये एल्किन इस इलेक्ट्रोफाइल के अंदर ऐड होना है, तो ये बेंजीन होगा तो इसके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इसका मतलब ये बेंजीन भी आपका किसकी तरह करेगा बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह ये बेंजीन भी क्या कर रही होगी बिहेव कर रही होगी। तो यहां से इजीली अब यहां से अगर ये अटैक कर रही हो, और आपने पढ़ा होगा कि यहां से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, यहां से ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है, ठीक है, यही तो पढ़ते हैं हम। तो यहां से अब ये इसकी रिएक्टिविटी की बात करनी है हमें, कि दो मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या दो मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कंपैरिजन करवाया जाए किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो कैसे चेक करोगे। तो यहां से देखो, ये मेरे पास अगर अब ये इस बेंजीन के पास मैंने क्या लगा दिया, कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जो क्या कर रहा है प्लस एमसीओ कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो देखो यहां से ये इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करता है तो इस एल्कीन के अंदर क्या हो जाएगा, इस बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब ये किसके थ्रू कर रहा है पाई बॉन्ड के थ्रू कर रहा है। तो प्लस एम जितना ज्यादा होगा मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी पाई बेंजीन के अंदर,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी इन बेंजीन के अंदर। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी तो यहां रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक जो अटैक होगा वो भी ज्यादा होगा। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो होगा वो भी इंक्रीज होगा। ये ध्यान, जैसा सेम एल्कीन में बताई थी वही कॉन्सेप्ट यहां लगाना है कि अगर मेरा प्लस एम लगाएगा, प्लस एम लगेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी बेंजीन के अंदर, बेंजीन के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक जो अटैक होगा वो क्या हो जाएगा भाई, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इस बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। इस बेंजीन रिंग के अंदर क्या हो जाएगी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जैसे आपसे कंपेरिजन करवा लेगा, कहेगा एक मेरे पास ये है जो इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है K1 रेट से जा रहा है, एक मेरे पास ये बेंजीन है और यहां मैंने लगा दिया OH लगा दिया, OCS3 लगा दिया, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है K2 रेट से जा रहा है। कहा जाए कि इन दोनों की रिएक्टिविटी में कंपैरिजन करो क्या होगा, तो कैसे चेक करोगे, तो यहां से आप कहोगे कि भाई यहां से मैं कहूंगा कि मेरे पास क्या होगी, इसके पास यहां पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की है, इसके पास ये क्या लगा रहा होगा, प्लस एम लगा रहा होगा, और प्लस एम लगाएगा तो इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रोफिल ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर जितनी ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब मैं कहूंगा K2 की रेट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू K1 के। एक तुम्हें एक एग्जांपल याद दिलाता हूं, याद करो जब आप पढ़ते थे ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन जब एनिलीन के साथ ब्रोमिनेशन करते थे, आप एनिलीन के साथ ब्रोमिनेशन करते थे, Br2 के साथ जब रिएक्शन करवाते थे तो आप क्या करते थे, यहां से इसके पास तीनों की तरफ यहां NH2 होता था और यहां ऑर्थो पे भी, पैरा पे भी और ऑर्थो पे यहां Br जोड़ देते थे। बट अगर इसी में ही यहां क्या करवाते थे, पहले जब किसके साथ रिएक्शन करवाते थे, एसाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवा देते थे, तो हम कहते थे कि भाई ये लोन पेयर यहां अटैक करके इस क्लोरीन को बाहर कर देते थे और यहां से क्या बन जाता था आपके पास, ये मेरा NH बन जाएगा, COCH3 हो जाता था। और इस केसेस के अंदर जब Br2 डाला जाता था, ब्रोमिनेशन करवाया जाता था, तो यहां आपके पास दो कंपाउंड बनते थे, एक आपके पास पैरा और एक आपके पास क्या बनता था, ऑर्थो। ये आप याद करके एक बार देखो, तो यहां एक बार ऑर्थो बनता था और दूसरा जो प्रोडक्ट बनता था वो पैरा का बनता था। यहां मेरे पास Br, तो ये दो अलग अलग, देखो यहां मेरे पास इस केसेस में मैं Br2 के साथ रिएक्शन करवाई तो यहां मुझे अलग दो प्रोडक्ट मिले, जबकि यहां NH2 के साथ जब ब्रोमिनेशन करवाता हूं तो मुझे ये प्रोडक्ट मिलता है। ऐसा कहां से, ये ऐसा क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, तो इसका मतलब ये जो NH2 और NHCO3 की बात करोगे तो आप देखोगे NH2 का प्लस एम जो होता है वो ज्यादा होता है, प्लस एम जितना ज्यादा होगा तो इस बेंजीन रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा, मतलब यहां ऑर्थो पैरा पे सभी को ब्रोमीन जुड़ जाएगा। बट जैसे ही आप यहां NHCOCH3 ले आए तो इसका प्लस एम क्या हो गया, NH2 के कंपेरिजन में कम हो गया, NH2 के कंपेरिजन इसका प्लस एम कम होने की वजह से यहां इस बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो यहां से इसका अटैक भी स्लो हो गया और ये आपको क्या दे देगा, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट दे देता है। तो ये क्वेश्चंस आपको यहीं से जनरेट हुआ था, इसी का कॉन्सेप्ट GOC से ही तो पता चलेगा ये। तो ये सारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है भाई, ये समझ लो अगर GOC जिसको नहीं आती उसको ऑर्गेनिक भी नहीं आती, आप ये नहीं कर सकते GOC अगर नहीं सीख रहे हो और आप सोचते हो नेम रिएक्शन रिएजेंट कर लूंगा, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। आप फिजिकल में कर सकते हो, इनऑर्गेनिक में कर सकते हो, दो टॉपिक नहीं आए तीसरा आ गया, ऐसा हो सकता है, पर ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होगा। ऑर्गेनिक में आपको कंटिन्यू एक सीक्वेंस बना के चलना पड़ेगा, जो बेसिक चीजें हैं वो सीखनी पड़ेंगी। तो इसीलिए मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था और बिल्कुल आपको हाई लेवल तक लेके जाऊंगा। पूरी आपको बस ध्यान रखना है क्या क्या बातें मैं बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, ये बातें बस ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल्स की बात करें, आपको ये पूछ लिया जाए कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर जैसे ये दे दिया जाए एग्जाम्पल, यहां मैंने क्या लगा दिया, OCS3 लगा दिया और यहां इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया,
और कहा जाए कि यहाँ मेरे पास वन इक्विवेलेंट है, कहा जाए कि बताओ ये मेरे पास ए बेंजीन है, ये मेरे पास बी है, कहा जाए किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो मैं कहूंगा इसका प्लस एम लगाएगा ये, और प्लस एम लगाएगा तो ये बेंजीन रिंग के पास ए के पास ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ज्यादा हो जाएगा, तो मैं कहूंगा ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा इसकी रिएक्टिविटी। जैसे आपके पास और एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, जैसे ये NH2 लगा दिया यहां और ये आपका SH लगा दिया यहां, और यहां डाल दिया जाए इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया और कहा जाए वन इक्विवेलेंट दे रखा है, कहा जाए कि बताओ किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ए की होगी या बी की होगी, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे NH2 का प्लस एम ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू SH, NH2 का अगर प्लस एम ज्यादा तो इस बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो मैं कहूंगा रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो बी ग्रेटर देन ए बोल दोगे यहां से आप, ठीक है। जैसे आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि आपके पास ये बेंजीन दे रखी है, यहां OH दे दिया, यहां CH2 दे दिया, यहां आपके पास एक और बेंजीन रिंग दे दी, कहा जाए कि यहां मेरा इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया, वन इक्विवेलेंट है, कहा जाए किसकी रेट ज्यादा होगी, ए बेंजीन की होगी या बी की होगी, तो यहां से देखोगे कि ये CH2 लगा हुआ है मतलब प्लस एम नहीं दे रहा है, जबकि ये लोन पेयर जो होगा इसके बगल में ये इस बेंजीन को देगा, इसको थोड़ी नहीं दे सकता है ये, क्योंकि यहां बगल में CH2 है, तो ये CH2 इसको दे नहीं पाएगा, ये लोन पेयर ये प्लस एम लगाएगा, तो इसका मतलब यहां पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ए के पास ज्यादा होगी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ए के पास ज्यादा होगी तो मैं कहूंगा ए की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी की। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन दे देगा, जैसे ये दे देगा, कहेगा इस ए और बी के अंदर यहां इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया वन इक्विवेलेंट, कहेगा ए की ज्यादा होगी या बी की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो मैं कहूंगा यहां मेरे पास ये भी प्लस एमसीओ कर रहा है, प्लस ये भी मेरा प्लस एमसीओ कर रहा है, तो इन दोनों ही केसेस के अंदर प्लस एम लग रहा है, पर ज्यादा प्लस एम कहां लग रहा है, ये क्रॉस रेजोनेंस का प्लस एम है, ये मेरे पास क्रॉस रेजोनेंस का नहीं है, तो इसका प्लस एम ज्यादा होगा, मतलब इस बी की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, बी की अगर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ज्यादा होगा, तो मैं यहां कैसे कह सकता हूं बी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक भी ज्यादा होगा। जैसे सिंपली आपके पास इस टाइप का दे दे कि जैसे ये बेंजीन बना के दे दे, यहां NH लिख दे, यहां CH2, यहां ऑक्सीजन, यहां आपके पास ये बेंजीन लगा दे, कहा जाए कि यहां पर भी इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया वन इक्विवेलेंट, कहा जाए कि बताओ इनके अंदर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बताओ, इस A के अंदर और B के अंदर दोनों के अंदर बताओ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक किसका ज्यादा होगा, तो मैं कहूंगा कि ये मेरा NH होगा, तो एक ये प्लस एम लगा रहा है, एक ये भी प्लस एम लगा रहा है, दोनों का प्लस एम जो होगा इस बे में, दोनों का प्लस एम किसका ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नाइट्रोजन का प्लस एम ज्यादा होगा तो इस बेंजीन रिंग के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक जो अटैक होगा वो भी ज्यादा हो जाएगा, तो यहां से मैं कहूंगा ए की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी के, ए की रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू बी के, ठीक है। इस टाइप से आप कर सकते हो, तो ये हम काफी सारे एग्जांपल्स करवा दिए मैंने, तो ध्यान रखना। अब ये थर्ड केस आता है, थर्ड केस आता है हमारे पास जो एप्लीकेशन पार्ट है प्लस एम का, इन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, इन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की अगर बात करता हूं, देखो कि यहां कैसे कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेगा, हमें पता है कि अगर मेरे पास कोई भी यहां कार्बोकेटायन है और इसके बगल में जैसे कोई भी लोन पेयर वाली स्पीज आ गई है तो वो क्या कर दे, जैसे OH ही ले आया हूं मैं या OR लगा दिया, ठीक है। तो OR है तो ये क्या करता है, अपना लोन पेयर है इसके बगल में, तो ये लोन पेयर इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में डोनेट कर देता था, इसके इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटायन कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीज होती है, तो यहां से आपने देखा था कि यहां क्या बन जाता था, CH2 डबल बॉन्ड OR पॉजिटिव बन जाता था और इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते थे, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देता था, कौन कर देता था, लोन पेयर वाली स्पीज प्लस एम के थ्रू, ये क्या लगाया इसने, प्लस एम लगाया, क्योंकि अपने साइड वाले को ये फंक्शनल ग्रुप क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो ये प्लस एम लगाया है इसने। तो अब हमें यहां से अगर तुम्हें कंपैरिजन के लिए दे दिया जाए कि इसके साथ एक और दे दिया जाए, जैसे ये CH2 और ये NH2 दे दिया जाए,
अब तो प्रॉब्लम हो गई कि यहां ओ आर है, ये भी प्लस एन लगा रहा है, ये भी प्लस एन लगा रहा है, ये भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा, यहां से सी एच टू डबल बॉन्ड एन एच टू पॉजिटिव, तो ये भी इसका 8 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर दिया, 6 इलेक्ट्रॉन से इसने भी ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। पर अब हमें देखा जाए दोनों के अंदर कार्बेटन की स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, तो हमें कैसे पता चलेगा, स्ट्रेंथ ऑफ ए प्लस एन से पता चलेगा। हम कहेंगे भाई स्ट्रेंथ चेक करेंगे, पहला ओवरलैपिंग, दूसरा हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरा क्रॉस रेजोनेंस, और चौथा OH और OCH3 में कंपेरिजन। तो इन चार पॉइंट से हम क्या करेंगे, इनके बीच में यहां चेक करेंगे किस कार्बेटन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मैं कहूंगा जिसका प्लस एन ज्यादा होगा उस पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी तो वो कार्बेटन ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, उसकी डेफिशिएंसी ज्यादा खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। तो मैं यहां से क्या कहूंगा किसका प्लस एन ज्यादा होगा, ओआर का NH2 का, तो हम कहेंगे NH2 का प्लस एन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ओआर, तो इसकी इसी कार्बेटन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये आपको जो प्लस एन का कॉन्सेप्ट है ये कहां पर और देखने को मिल सकता है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के अंदर भी देखने को मिल सकता है। जब कार्बोकेटायन पढ़ेंगे तब इसको और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां से जैसे और एग्जांपल्स की मैं बात करूं, जैसे आपको सिंपली ये कह दिया जाए ये कार्बोकेटायन है, यहां से ये भी कार्बोकेटायन है, ठीक है, एक ये कार्बेट कहा जाए कि इन तीनों के अंदर स्टेबिलिटी कंपेयर करो किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। तो हम देखेंगे कि ये तो लोकलाइज आपका कार्बेटाइन है, ये तो मीजोमेरिक मिल ही नहीं रहा है, यहां पर भी ये लोन पे डोनेट करेगा प्लस एम लग रहा है, यहां पर भी ये लोन पे डोनेट करेगा मतलब प्लस एम लग रहा है, तो ये तो सबसे लीस्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको कह देता हूं पी, इसको कह देता हूं क्यू और इसको कह देता हूं आर, ठीक है, तो हमें पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेटन जो पी की होगी वो तो सबसे कम हो जाए, क्योंकि यहां आपका जो कार्बेटन है ये किसी से स्टेबलाइज है ही नहीं। अब इन दोनों केसेस ही क्या है, प्लस एम से स्टेबलाइज है, तो इस लोन पेयर की देखेंगे तो ये इसको भी डोनेट करेगा और इसे इस एल्कीन के साथ रेजोनेंस भी करेगा, मतलब यहां क्या आ गया, क्रॉस रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आ गया। यहां क्रॉस रेजोनेंस है नहीं, यहां क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है, क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है, तो क्रॉस रेजोनेंस की वजह से प्लस एम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्रॉस रेजोनेंस की वजह से प्लस एम क्या हो जाता है भाई, कम हो जाता है, प्लस एम कम होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेटन भी कम हो जाएगी। तो हम यहां क्या कहेंगे, क्योंकि कार्बेटन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद किसकी होगी, यहां से आर की होगी, उसके बाद आर की होगी, और सबसे लीस्ट किसकी हो जाएगी, पी की हो जाएगी। इस टाइप से आप निकाल सकते हो। जैसे और एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं, और एग्जाम्पल्स की बात करूं, जैसे मेरे पास यहां नाइट्रोजन लगा दिया जाता है, यहां कार्बेटाइन आ गया, ठीक है, और एक आपके पास यहां ऑक्सीजन लगा दिया जाता है। कह दिया जाए कि भाई यहां मेरे पास दोनों के अंदर बताओ स्टेबिलिटी कंपेयरिंग करो, तो हम कहेंगे भाई ये लोन पेयर होगा तो ये भी आपका प्लस एम लगा रहा होगा, ये लोन पेयर होगा तो ये भी प्लस एम लगा रहा होगा, दोनों ही लोन पेयर जो होंगे वो प्लस एम लगा रहे होंगे, पर ये भी क्रॉस रेजोनेंस लगा रहा है, ये भी क्रॉस रेजोनेंस लगा रहा है, तो ये क्रॉस रेजोनेंस दोनों में जब क्रॉस रेजोनेंस है तो यहां से इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंशिएट कर रहा है कि नाइट्रोजन का प्लस एम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो मैं कहूंगा अगर मैं इसको ए कह देता हूं इसको बी कह देता हूं तो मैं कहूंगा ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो प्लस एम ज्यादा होगा, तो रेट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेटन ज्यादा होगी तो एज कंपेयर टू बी के, ठीक है। जैसे आपके पास इस टाइप का कोई एग्जांपल दे दिया जाए, जैसे ये मेरे पास दे दिया जाए एक, ये तीन एग्जांपल दे दिया जाए, कहा जाए कि ए बी सी है, इनमें से बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ कार्बेटन की क्या होगा, कैसे बताएंगे, हम कहेंगे भाई ये जो कार्बेटाइन है यहां तो कोई मीजोमेरिक मिल ही नहीं रहा है क्योंकि यहां CH2 है बीच में, तो ये लोन पेयर जो होंगे ये इस कार्बेटाइन को डोनेट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहां बीच में एक CH2 है, बी ऑर्बिटल है नहीं, तो ये अपने लोन पेयर यहां तक पहुंच नहीं सकते, तो ये क्या नहीं करेंगे, प्लस एम नहीं लगा पाएंगे। पर यहां ये लोन पेयर इसके बगल में अगर होता है तो हम कहेंगे प्लस एम लगा लेगा, ये ऑक्सीजन इसके बगल में है तो ये भी प्लस एम लगाएगा, ठीक है, बट ये ऑक्सीजन जो इसको भी देगा और इसको भी दे रहा होगा मतलब ये पाई बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस कर रहा होगा, तो यहां किसका कॉन्सेप्ट आ गया, क्रॉस रेजोनेंस का, यहां क्रॉस रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है नहीं, तो क्रॉस रेजोनेंस होगा तो हम कहेंगे उसका प्लस एम कम होगा, प्लस एम कम होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेटाइन भी कम होगी, यहां प्लस एम सबसे ज्यादा है तो मैं कहूंगा बी की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद सी का होगा, ए में तो प्लस एम है ही नहीं तो ये सबसे लीस्ट हो जाएगा, ये सबसे लीस्ट हो जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल की मैं बात करूं,
एक और एग्जांपल की अगर बात करता हूं तो यहां पर मेरे पास जैसे ये नाइट्रोजन है, यहां CH2 पॉजिटिव है, जैसे ये नाइट्रोजन है, यहां आपका ये भी CH2 पॉजिटिव है, यहां आपका कार्बोनिल जोड़ दिया मैंने, और एक आपका यहां नाइट्रोजन है, ये भी आपका CH3 है, यहां पर भी कार्बोनिल है, पॉजिटिव चार्ज यहां है। कहा जाए कि ये P है, ये Q है और ये आपका R है। कहा जाए तीनों में कार्ब के टाइम की स्टेबिलिटी कंपेयर करो, तो हम कहेंगे भाई ये लोन पेयर है, इसके बगल में पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस M लगाएगा, ये कार्ब के टाइम इसके बगल में लोन पेयर वाली स्पीज है तो ये भी प्लस M लगाएगा, ये मेरे पास यहां मेरे पास ये लोन पेयर है, यहां लोन पेयर पर इसके कार्ब के टाइम इसके बगल में नहीं, इससे दूर है तो ये प्लस M नहीं लगेगा, तो इसका प्लस M नहीं लगेगा तो R तो सबसे कम हो गया। इन दोनों में चेक करेंगे तो इसका लोन पेयर इस CO के साथ भी रेजोनेंस करेगा और इसका लोन पेयर यहां इस कार्ब के टाइम के साथ भी, तो यहां किसका कॉन्सेप्ट आ गया, क्रॉस रेजोनेंस का। यहां क्या आ गया, क्रॉस रेजोनेंस कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां अपना सारा का सारा लोन पेयर इस कार्ब के टाइम को डोनेट कर देगा, जितना ज्यादा इसको लोन पेयर कार्ब के टाइम मिलेगा तो स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा रहेगी, तो मैं कहूंगा पी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद क्यू और सबसे लिस्ट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, सबसे लिस्ट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो आपका ये थर्ड एप्लीकेशन पार्ट था, ये कहां ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटायन में की हेल्प करेगा, उसको इंक्रीज करेगा उसकी स्टेबिलिटी को, ठीक है। फोर्थ हमारा क्या था, यहां से रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, फोर्थ हमारा क्या था, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, इस पॉइंट को भाई ध्यान से समझना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। देखो जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है, जैसे मेरे पास ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, इसकी मुझे रिएक्टिविटी चेक करनी है, तो यहां से मैं कहूंगा कि भाई इसकी अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो मैं कहूंगा भाई इसके पास, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स की ही रिएक्टिविटी की बात करते हैं, जैसे ये मेरे पास सिंपली हो गया, ठीक है, या मैं इसको हटा देता हूं, यहां आर ग्रुप इसम थ्री रख देता हूं, ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी की बात करता हूं रेट, तो यहां से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहां से लोन पेयर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आर हो जाएगा, CO माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहां अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की बात करूं कि न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो हम कहते हैं भाई यहां से चाहे इसके ऊपर अटैक करे तो इस कार्बोनिल के ऊपर अटैक कर लेगा, यहां से अटैक करेगा तो इस कार्बोनिल पे, दोनों के एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो यहां हम कहेंगे भाई ये न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो सभी के सभी एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करने के लिए आता है तो ये इसका क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में कहूंगा जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल होगा, जितना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल उतनी फास्ट रेट से अटैक करेगा, मतलब रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली हमें देखना क्या है, ये जो कार्बन है इसके पास कितनी इलेक्ट्रोफिलिसिटी है या कितना इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा उतना ही न्यूक्लियोफाइल फास्ट अटैक करेगा, मतलब रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन से या नो सॉरी रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कि मैं कहूंगा ये पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा बनेगा उसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की रेट उतनी ही सॉरी उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, मैं कहूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रो, यहां ये जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, मैं कहूंगा रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक उतनी ही ज्यादा होगी, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक उतनी ज्यादा, मतलब बेसिकली आपको सिर्फ बेसिर्फ क्या चेक करना है, इस यहां इस कार्बोनिल कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज देखना है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा मैं कहूंगा
में उसकी रेट न्यूक्लियोफिलिक अटैक की उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखो कैसे चेक करेंगे, तो ये एक्स आपका जो ये एक्स लिखा हुआ इसको चेंज कर करके देखेंगे हम कैसे चेंज करेंगे। देखो मैं कहूंगा कि यहां मेरे पास जो आपका आर सी डबल बॉन्ड आर है या मैं ये एक्स है, तो ये मेरे पास कार्बन है, ये ओ माइनस और ये पॉजिटिव चार्ज। हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है यहां से ये पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ, मतलब पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड चेक करना है। ठीक है, मैं कहूंगा जितना ज्यादा ये पॉजिटिव चार्ज होगा उसके रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक उतना ही ज्यादा होगा। अगर मैं मान लेता हूं ये एक्स आपको चेंज करके देगा, अगर एक्स आपका क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एक्स आपका क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ईडीजी का मतलब क्या है, यहां ईडीजी जो मैं लिखा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब ये एक्स अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अगर होता है, यहां यहां एक्स क्या होता है भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो यहां से इस कार्बोकेटाइन को बताओ इलेक्ट्रॉन देगा, और इस कार्बोकेटाइन के पास इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो मैं कहूंगा इस कार्बोकेटाइन के पास मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर कम हो जाएगा तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डोनेटिंग ग्रुप है तो डिक्रीज हो जाएगा, तो यहां से हो क्या जाएगी रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक वो भी क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैं मान लेता हूं यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ईडब्ल्यूजी, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये एक्स क्या है, ये एक्स जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो मैं कहूंगा ये क्या करेगा, ये एक्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और विड्रॉ करेगा मतलब खींचेगा, खींचेगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो मैं कहूंगा रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक उतना ही क्या हो जाएगा भाई, ज्यादा हो जाएगा। तो यहां से मैं क्या कहूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक, यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, अगर विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इंक्रीज हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ यहां पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या हो जाएगी, यहां से इंक्रीज हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखना है। अब देखो यहां से कौन से विड्रॉइंग ग्रुप होगा, मैं सभी कार्बोनिल कंपाउंड्स को लिख देता हूं और उसमें हम कंपैरिजन कर लेंगे। यहां देखो ये मेरे पास जैसे साइल क्लोराइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, इस एक्स की जगह मैंने देखो सीएल लिख दिया, इस एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया एच लिख दिया, इस एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया सीएच थ्री लिख दिया। ठीक है, यहां से इस एक्स की जगह ये कार्बोनिल हो गया, तो यहां जैसे मैंने ओसीओआर लिख दिया। ठीक है, इस एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, यहां से देखो एक्स की जगह ओ सी ओ आर लिख दिया, इस एक्स की जगह ओ आर लिख दिया मैंने। ठीक है, इस एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया आर सी डबल बॉन्ड ओ एच लिख दिया, और इस एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया एन एच टू लिख दिया, ये सभी मैंने लिख दिए। ठीक है, मैं इसको यहां से मैं बोल देता हूं 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ठीक है, सभी कार्बोनिल कंपाउंड मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। अब इन सभी के अंदर मुझे क्या करना है, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक, मैंने कहा जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल अगर होंगे तो इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा होगा, तो मुझे वही चेक करना है कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और किसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो यहां से देखो जितने भी हैलोजन्स होते हैं, हैलोजन्स होते हैं उसका प्लस एम भी होता है और माइनस आई भी लगाते हैं, माइनस आई कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, जो मैंने पढ़ाया नहीं आगे चल के पढ़ाएंगे। ठीक है, बस थोड़ी सी ये चीज ध्यान रखना है जब तक मैं पढ़ा नहीं दूं कि क्या ध्यान रखना है कि जितने भी हैलोजन्स होते हैं उसका प्लस एम तो लगता ही लगता है, साथ में माइनस आई भी लगता है, और इसका प्लस एम और माइनस आई में कंपेरिजन करते हैं तो ओनली फॉर हैलोजन्स के केस में माइनस आई डोमिनेट करता है, मतलब जितने भी हैलोजन्स होंगे उनको किसकी तरह ट्रीट करके चलोगे, ओनली फॉर माइनस एम की तरह, कि उनका माइनस आई चेक करोगे, उनका माइनस आई चेक करोगे, ओनली फॉर माइनस एम नहीं माइनस आई। ठीक है, तो यहां जितने भी हैलोजन्स होते हैं वो माइनस आई
ग्रुप लगाते हैं, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं, मतलब डोमिनेट करता है, ये प्लस एम भी लगाएगा और माइनस आई, तो माइनस आई डोमिनेट करता है, ठीक है, वो हम इंडक्टिव इफेक्ट में देखेंगे इसकी कहानी, इंडक्टिव की माइनस आई की, ठीक है। तो इतने याद रखना है कि सीएल का क्या लगता है, माइनस आई, और माइनस आई लगाएगा तो माइनस आई प्लस वाले क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, माइनस वाले क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। तो ये सीएल क्या करेगा, इस कार्बोनिल से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस कार्बोनिल के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर जो मैंने पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड देखना है, अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो मैग्नीट्यूड मैंने कहा इंक्रीज हो जाएगा और रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की बढ़ जाएगी, तो यहां क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर मेरे पास ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो होता है न्यूट्रल होता है, रिफरेंस मान के चलते हैं, कुछ नहीं लगाता, ये आपका पता है, प्लस एन लगाएगा, ना इंडक्टिव इफेक्ट लगाता है, ना हाइपर कंजुगेशन लगाता है, ठीक है। तो ये जो होगा न्यूट्रल है, ना ले रहा है ना दे रहा है, जबकि ये CH3 जब आगे मैं इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें पता चलेगा ये प्लस आई ग्रुप लगाता है, जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो सभी के सभी प्लस आई ग्रुप लगाते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। प्लस आई का मतलब है इलेक्ट्रॉन देना विद सिग्मा बॉन्ड, विद सिग्मा बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना। तो यहां भी क्या हो जाएगा, ये प्लस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक क्या रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो मैं कहूंगा इसकी तो सबसे ज्यादा होगी क्योंकि ये माइनस आई लगा रहा है, तो फर्स्ट की रेट सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकेंड की, क्योंकि ये ना ले रहा है ना दे रहा है, ये तो दे रहा होगा, तो ये आपका क्या होगा, यहां क्या होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो गया तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी कम हो गया। तो उसके बाद कौन आ जाएगा, थर्ड। अब इस थर्ड और फोर्थ में चेक करें तो हमें देखेंगे कि यहां क्या लग रहा है, ये तो प्लस एन लगा रहा है और ये प्लस आई लगा रहा है, और आपको जब आगे चल के पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा, इंडक्टिव पढ़ोगे तो प्लस एन जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, बहुत ही पावरफुल इफेक्ट होता है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो प्लस एन जो होता है वो बहुत ही पावरफुल इफेक्ट होता है, तो प्लस एन जो ज्यादा होगा तो मैं कहूंगा इस कार्बन को, हमें यहां पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है इस कार्बन पे, तो हम कहेंगे प्लस एन के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ज्यादा कम हो जाएगा। तो इसका मतलब थर्ड की ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फोर्थ के, ठीक है। अब फोर्थ और फिफ्थ में अगर बात करता हूं तो फोर्थ और फिफ्थ में बात करूंगा तो मैं कहूंगा ये तो इसको भी दे रहा होगा और इसको भी दे रहा होगा, मतलब यहां क्या आ गया, क्रॉस रेजोनेंस का प्लस एम है और यहां क्या है आपका, क्रॉस रेजोनेंस का प्लस एम नहीं है। आपको पता है ओआर और ओसीओआर में प्लस एम किसका ज्यादा होता है, ओआर का होता है, प्लस एम ज्यादा तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी तो रेट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कम हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कम होगा तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी ज्यादा कम हो जाएगा। इसका मतलब फिफ्थ किसके बाद आएगा, फोर के बाद आएगा। फिफ्थ और सिक्स के अंदर बात करूं तो मैं कहूंगा OH है और OR है, दोनों ही क्या लगा रहे हैं, प्लस एम लगा रहे हैं, पर प्लस एम ज्यादा किसका होता है, आपको पता है OH का प्लस एम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू OR ड्यू टू NBPR। तो मैंने यहां जितना ज्यादा प्लस एम होगा उतना ही क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, जितना प्लस एम मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो उतनी रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी डिक्रीज होगी। तो यहां से हम क्या कहेंगे कि फाइव ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सिक्स। अब सिक्स और सेवन के बीच में कंपेयर करें तो यहां NH2 है तो ये भी प्लस एम लगाएगा, यहां OH है ये भी प्लस एम लगाएगा, दोनों ही प्लस एम लगा रहे हैं। तो यहां आपको चेक करना पड़ेगा प्लस एम जितना ज्यादा, तो इस कार्बन के टाइम के पास जो कार्बन बना है, इस कार्बन के पास मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक कम हो जाएगा। तो हम कहेंगे प्लस एम ज्यादा तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक कम हो जाएगा, मतलब सेवन सबसे लीस्ट आएगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक। जैसे एग्जांपल्स की मैं बात करूं, आपको कह देगा, कहेगा कि बताओ इन दोनों के अंदर रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक बताओ। यहां मेरे पास ओआर है, यहां आपके पास ये एल्डिहाइड है, और आपको जैसे न्यूक्लियोफाइल डाल देगा, कहेगा वन इक्विवेलेंट डाल रखा है, कहेगा कि बताओ किसकी ज्यादा रेट होगी, ए कार्बोनिल की होगी या बी की। तो हम कहेंगे भाई जिसका यहां देखा था हमने कि इसका यहां हाइड्रोजन है या ओआर है, तो यहां कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम होगा, पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम कहेंगे ए की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी के। जैसे और एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो मैं कहूंगा
जैसे ओ आर हो गया और ये सी एल हो गया, इसको मैं ए कह देता हूं, इसको बी कह देता हूं, यहां सेम वन इक्वलेंट लेके चल रहा हूं। तो आपको कह दिया जाए कि बताओ इन दोनों के बीच में रिएक्टिविटी बताओ, तो इन दोनों के बीच में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, ए की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। आपने देखा है कि यहां से एसाइल क्लोराइड की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है और एस टू की कम होगी, तो यहां से ए की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू बी की। आप जब रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ते हो कॉलेज के अंदर, तो उसमें देखा होगा कि जैसे इस टाइप का कंपाउंड होता है और इस टाइप में मान लो कीटोन दे दिया जाता था और ये मेरे पास एस्टर दे दिया जाता था, और इसकी रिएक्शन जब NaBH4 के साथ होती थी, NaBH4 क्या होता है, एक हाइड्राइड डोनर होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है भाई, ये न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, एन न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, हाइड्रोजन डोनेट करता है। तो जब आपने ये पढ़ा होगा इस टाइप से कि एक ही कंपाउंड के अंदर एस्टर भी गिवन हो और उसी कंपाउंड में कीटोन गिवन होता है, और जब आप NaBH4 की रिएक्शन करते हो तो आपने देखा होगा कि ये कीटोन को ओनली रिड्यूस कर देता है, इसको रिएक्शन नहीं करता है, मतलब कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होती है एज कंपेयर टू इस कीटोन। हमने देखा अभी इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होती है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होती है। इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी देखो, पॉजिटिव चार्ज बढ़ना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी। या तो मैं इस ऑर्डर को, जो ये ऑर्डर लिखा है, मैं इसको क्या कह सकता हूं, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहूं या इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर कहूं, एक ही बात है। तो यहां से मैं क्या कहूंगा, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, अगर इसको कह देता हूं ए और इसको बी, तो बी के साथ तो रिएक्शन ही नहीं करता, ओनली किसके रिएक्शन करेगा, ए के साथ करता है, क्योंकि इस कीटोन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बी के। अब देखो यहां अगर मान लो दोनों तरफ ही मान लो ओ आर ग्रुप लगा दिए जाते हैं, जैसे आपके पास ये ग्रुप लगा दिया, यहां एक ओ आर है, तो देखो इन दोनों के बीच में कंपेरिजन करवा लिया जाए कि यहां न्यूक्लियोफाइल है, तो बताओ किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ए की होगी या बी की होगी। तो हमें कैसे पता चलेगा, हम कहेंगे भाई देखो ये हमारा क्या लगा रहा है, प्लस एम लगा रहा है, डोनेशन है, तो इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पर यहां तो एक तरफ से लगा रहा था ओआर, यहां दोनों तरफ प्लस एम लगा रहा है, इधर भी प्लस एम है, इधर भी प्लस एम है, तो ये दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन देगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम होगा, ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की रेट ज्यादा कम हो जाएगी। तो मैं क्या कहूंगा, बी की रेट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए के। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करूं, ये एग्जाम्पल जैसे दे दिया जाए, ये एग्जाम्पल दे दिया जाए, कहा जाए कि ए और बी में बताओ किसकी रेट ज्यादा होगी, न्यूक्लियोफाइल डाल दिया जाए, तो हम कहेंगे यहां देखो इस साइड से भी ये प्लस एम लगा रहा है, ये मेरे पास इस साइड से भी प्लस एम लगा रहा है, इस कार्बोन दोनों तरफ से प्लस एम लगा हुआ है, इस कार्बोन में ओनली फॉर एक तरफ से लगा हुआ है प्लस एम, इधर से ही, इधर कोई प्लस एम नहीं है, तो इसका मतलब यहां आपके मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, यहां मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम होगा, या मैं कहूं यहां इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी, यहां इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी, तो मैं कहूंगा बी की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए के। तो ये चार पार्ट थे कि प्लस एम कहां कहां पर आपको देखने को मिल सकता है, कहां यूज होगा। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो भाई फटाफट पूछ लो, ठीक है, आज हम यही रोक रहे हैं, ठीक है, तो जिसमें भी जो भी प्रॉब्लम है वो पूछ लो फटाफट। सौरभ कह रहा है कि सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने से अटैक क्यों ज्यादा होता है, प्लीज एक्सप्लेन। भाई देख, न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तभी तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। मान ले तू तेरे से ही लगा, अगर मान ले तू अमीर आदमी है तो दूसरे दान दक्षिणा ज्यादा कर सकता है, किसी गरीब आदमी को दे सकता है। अब मान ले तेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, खुद के पास नहीं है, तो दूसरे को कहां से देगा। तो जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, गरीब कौन है, इलेक्ट्रोफाइल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, न्यूक्लियोफाइल अमीर आदमी है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो उसके पास जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तभी तो उस इलेक्ट्रोफाइल को ज्यादा देगा। तो जिसके पास ज्यादा होगी वो ज्यादा देगा, तो ज्यादा फास्ट देगा, तो रेट ज्यादा हो जाएगी, ठीक है।
तो न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल के पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा गरीब होना चाहिए और न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अमीर होना चाहिए, तो रिएक्शन फास्ट होगी, ये ध्यान रख। ठीक है सौरभ, सर नीचे वाला रिएक्शन नहीं समझ में आया। सुप्रिया, कौन सी नीचे वाली रिएक्शन? सुप्रिया एक बार बता दो कौन सी रिएक्शन नीचे वाली। ब्रजेश ए, नो कमेंट्स। सर हाउ थ्री एंड फोर? अच्छा सुप्रिया, थ्री एंड फोर की बात करी हो क्या? देखो थ्री एंड फोर की बात करें तो ये मेरे पास थ्री है, थ्री में मैंने कहा ये CH3 जो होता है, जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं, यहां डिफरेंस क्या है, CH3 है, यहां क्या है, OCOR है भाई, तो OCOR है तो क्रॉस रेजोनेंस वाला पार्ट है, प्लस M लगा रहा है। CH3 जो होता है, जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं, वो सभी के सभी प्लस आई लगाते हैं, जो इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। जो हम जब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे तब हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक ये ध्यान रखना, जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो सभी प्लस आई लगाते हैं, और प्लस आई जो होता है बहुत ही छोटा इफेक्ट होता है, ये कहूं उसको कहीं हर जगह नेग्लेक्ट करके चलते हैं, मतलब उसका कोई रोल नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। जब सब खत्म हो जाते तब प्लस एम की बात आती है, प्लस आई की सॉरी बात आती है, इंडक्टिव इफेक्ट की, ठीक है। तो ये जो प्लस आई लगता है, यहां प्लस आई होता है क्योंकि प्लस आई जो होता है इलेक्ट्रॉन देता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, मतलब जो सिग्मा बॉन्ड ये है इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन देता है, तो जितना ये जो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है बहुत कम इलेक्ट्रॉन दे पाता है एज कंपेयर टू प्लस एम के। इसीलिए मैंने कहा प्लस एम जो होता है बहुत ही पावरफुल इफेक्ट होता है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देता है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये जो प्लस आई होगा ये कम इलेक्ट्रॉन दे पाता है, प्लस एम ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होगा, तो देखो यहां मैग्नीट्यूड ऑफ इस पॉजिटिव चार्ज का, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डिक्रीज होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा थर्ड की रेट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फोर के, क्योंकि इसका डोनेशन ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये ज्यादा है एज कंपेयर टू CH3। ठीक है सुप्रिया, नो डाउट। सर लास्ट एग्जाम्पल फिर बता दीजिए। सुगंधा इधर ध्यान दो, लास्ट एग्जाम्पल भाई देखो, लास्ट एग्जाम्पल मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो ए का कार्बोनिल, हमें यहां कार्बोनिल पे इसका पॉजिटिव चार्ज देखना है भाई, ये पॉजिटिव चार्ज चेक करना, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कितना है। तो देखो यहां जो होगा, मैं कहूंगा जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन को, जितने ज्यादा इस कार्बन को कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर कम हो जाता है तो रेट ऑफ, हमने न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की रेट किया था, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो देखो यहां इस कार्बन को ये भी ऑक्सीजन दे रहा है और ये भी ऑक्सीजन दे रहा है, मतलब इस कार्बन को दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं प्लस एम के थ्रू, तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन होगा तो यहां मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बहुत कम हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बहुत कम हो जाएगा तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या हो जाएगी, बहुत स्लो हो जाएगी। अब इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन पे ओनली फोर यही ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इधर से कोई लोन पेयर है ही नहीं, तो यहां एक तरफ से प्लस एम है इस कार्बोनिल को, तो एक तरफ से प्लस एम मिला, इस कार्बोनिल को दोनों तरफ से प्लस एम मिला, दोनों तरफ से प्लस एम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, डोनेट करेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इसका ज्यादा कम हो जाएगा, ज्यादा कम होगा तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक बहुत ही स्लो हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा बी का रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए, ठीक है। किसने पूछा था ये, सुगंधा ने, ठीक है सुगंधा। न्यूक्लियोफिलिसिटी प्रीवियस स्लाइड एग्जांपल, वाई अदर पार्ट नोट रिएक्ट, वन मोर प्लीज। न्यूक्लियोफिलिसिटी भाई धीरज में न्यूक्लियोफिलिसिटी तो बता ही नहीं, कहां न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपैरिजन की नहीं है कहां कहीं पर भी, मैंने रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वही बात है, बताओ कौन सा एग्जांपल नहीं समझ में आया, ठीक है धीरज एक बार बता दे भाई। न्यूक्लियोफिलिसिटी तो मैं कहीं एक्सप्लेन किया ही नहीं, ब्रोमिनेशन का जो प्रॉब्लम करवाया वो फिर से समझा दीजिए सर। तपस मैंने सिंपली ये आपको ये बताया है ब्रोमिनेशन का, इसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं बताया है, मैंने बताया आपको ऐसा पढ़ा होगा आपने,
ये बताया था मैंने, मैंने कहा था कि इस NH2 और NHCO3 जो होता है ये NHCO3 ठीक है था बस, तो इसका प्लस एम आपने अभी देखा था ज्यादा होता है, इसका कम होता है प्लस एम NHCOCH3 का, तो इसका NHCOCH3 का प्लस एम कम होता है ड्यू टू क्रॉस रेजोनेंस, तो ये इस बेंजीन रिंग को कम इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, तो बेंजीन रिंग के पास कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो ये जो होगा ये अटैक जो होगा ये स्लो होगा, जबकि यहां पर जो अटैक होगा इसका प्लस एम ज्यादा होगा, तो इसकी यहां पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के अंदर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसे डोनेट कर रहा है, तो इस बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ये फास्ट अटैक करेगा इस BR2 के साथ, तो इसीलिए ये प्रोडक्ट दे देता है, ठीक है, ये बताया था बस मैंने, ठीक है। सुपीरियर एनिलीन का भी समझा दिया, यही था एनिलीन का कर्नम, नो डाउट सर। सर सेकंड लास्ट स्लाइड, थर्ड एग्जांपल सर, सेकंड लास्ट एग्जांपल, सेकंड लास्ट स्लाइड, ये लो सेकंड लास्ट स्लाइड, ठीक है। ये है ठीक है, इसका थर्ड एग्जांपल बताना धीरज, इधर ध्यान दो, देखो ये जो तुम्हें थर्ड एग्जांपल ये आगे चल के पढ़ोगे धीरज, ये एक रिड्यूसिंग NaBH4 होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, मैंने कहा ये आप वहां इसका इस कॉन्सेप्ट का यूज करोगे, तो NaBH4 आपने कॉलेज में पढ़ा होगा, कॉलेज में क्या पढ़ा होगा कि NaBH4 जो होता है वो कीटोन के साथ तो रिएक्शन करता है, बट किसके साथ, एस्टर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, वो क्यों नहीं करता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी उसका रीजन होता है, वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी का कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं यहां पर जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ही पढ़ा रहा हूं, तो यहां कार्बोनिल्स क्रिया इलेक्ट्रोफिल, तो मैं कहूंगा कि यहां जो होगा इसका प्लस एम लगाएगा, ये प्लस एम लगाएगा तो ये प्लस एम के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इस पॉजिटिव यहां पर ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि यही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये कार्बन ही, तो इस कार्बन पे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कम हो जाएगा, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक कम हो जाएगी, ये जो NaBH4 होता है ये न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये स्लो अटैक करेगा, और स्लो करेगा तो एक तरह से इतना स्लो हो जाता है कि रिएक्शन ही नहीं करता इसके साथ, जबकि कीटोन में यहां प्लस एम का यहां OR ग्रुप है नहीं कोई भी, दोनों तरफ से कोई प्लस एम लगा ही नहीं रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इसके कंपेरेटिव ज्यादा होगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इसके कंपेरेटिव ज्यादा होगा तो यार रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ज्यादा फास्ट होगा, इसीलिए NaBH4 इसके साथ रिएक्शन कीटोन के साथ कर लेता है बट एस्टर के साथ नहीं करता है। ये आप कहां पढ़ोगे इसका कंपैरिजन, ये पढ़ोगे रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो रिएजेंट के अंदर पढ़ोगे, ठीक है, ठीक है धीरज सर, हैंड्स डाउन दिस शाश्वत सर, हैंड्स डाउन दिस द बेस्ट जीओसी लेक्चर एवर, नो प्रॉब्लम सर, क्लियर सर, तपस गुड नाइट सर, उसका क्लास करके मजा आया, ठीक है भाई, कोई डाउट है क्या? और देखो मैंने असाइनमेंट 3 अपलोड कर दिए हैं, हो सकता है उसमें माइनस एम की स्ट्रेंथ का भी शायद तीसरे में कॉन्सेप्ट है, तो उस माइनस एम के कॉन्सेप्ट को छोड़ देना है, जहां तक प्लस एम तक की मैंने बातें करवा दी है, प्लस एम हमारा खत्म हो गया मीजोमेरिक का, अब माइनस एम पार्ट बचा है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये प्लस एम तक का खत्म हो गया है, गुड नाइट भाई सभी को, ठीक है, ठीक है धीरे, थैंक यू, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट भाई, ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, माइनस एन स्टार्ट करेंगे, माइनस एन के बाद हमारा रेजोनेंस जो पार्ट होगा वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक हम दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दूसरा इफेक्ट पढ़ेंगे, वो होगा उसका नाम होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से कवर कर लेना है, फिर हम हाइपर कॉन्जुगेशन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, पहले माइनस एन पढ़ेंगे उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप, ठीक है, बाय।